उन्होंने लगातार सक्रियता भी रही। हमेशा पॉजिटिव रखता है, खिलाड़ी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है जी। और ये पॉजिटिविटी नहीं उनको पे, लेकिन इस सीट पर क्या समीकरण काम किया है आप एक बार झोटवाड़ा पर मैं चाहता हूं अलका जी, आप तो लगातार रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है जी, वो हो सकता है शुरू में कुछ नाराजगी रही। बिल्कुल अलका जी, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई, ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, अपडेट क्या है आपके पास इस वक्त? चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह, उनकी यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। और साथ ही अगर मैं बात करूं सिविल लाइंस विधानसभा सीट से, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त है। और कुछ और बड़े अपडेट है चित्तौड़गढ़ से? बड़ी अपडेट है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, चंद्रभान सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी, यहाँ पर उनकी जीत हुई है जी। ममता क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शोभा चौहान जो है वो जीत दर्ज की हैं। आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा, मंडवा से कांग्रेस की जो है रीटा चौधरी जीत गई है चुनाव। मंडवा सीट पर बड़ी अपडेट है, मंडवा से कांग्रेस की रीटा चौधरी जीती है। सोजत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शोभा चौहान विजय है। और कोटा दक्षिण से बीजेपी के संदीप शर्मा, बीजेपी के छोटू सिंह भाटी की जीत हुई है यहाँ पर, मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के उनकी हार हुई है, जो लगातार उनको लेकर के चर्चाएं थी। ये सीट भी बड़ी चर्चाओं में थी अलका जी, कि आखिरकार ये सीट निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। सोजत से बीजेपी की शोभा चौहान जीते जी। ममता और अपडेट बताइए, समन के नाथद्वार विधानसभा से 16वां राउंड और मतगणना का परिणाम सामने आया है। अभी भी भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ वहां से आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं और 5,346 वोटों से इस वक्त वो आगे बढ़त बना रहे हैं। बिल्कुल, एक और अपडेट देना चाहूंगा आपको, दौसा से जो है बांदूकुई सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी के भागचंद टांकड़ा जो है वो जीते हैं चुनाव। यहां पर भागचंद भी जीत दर्ज कर रहे हैं। बांदूकुई सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये भी आगे जाते हुए नजर आ रही है। देखिए अभी तक के अगर ये रुझान और परिणाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े अपडेट आपके पास? बड़े अपडेट है कि अभी रीता चौधरी जीती है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ से जो है चंद्रभान सिंह चौहान वो भी जीत गए हैं, इसके अलावा रामावतार बैरवा चाकसू से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो भी जीत गए हैं, शोभा चौहान संदीप शर्मा ये सब जीत चुके हैं। ठीक है, बड़ा अपडेट एक और आपको एक बता दूं कि जो है शाहपुर से कांग्रेस के मनीष यादव जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। मनीष यादव शाहपुरा से मनीष यादव चुनाव जीत चुके हैं, बड़ी अपडेट है ये। ये गोयल साहब शाहपुरा वाला अब लगातार चर्चा में था, इस पर क्या टिप्पणी है, निकल गई ये सीट? ये देखो सीट निकलनी थी क्योंकि काफी मेहनत यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे की गई है, कार्यकर्ता बड़े मजबूती से यहाँ लगे हुए थे। और अच्छा अलका जी शाहपुरा सीट पर निराशा तो हुई होगी, क्योंकि प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो सफल नहीं हो पाया। निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है कि शाहपुरा में इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अचानक से एक प्रत्याशी को ज्वाइन करवाना, एक कैंडिडेट के तौर पर ज्वाइन करवाना, उसे उतार देना, ये कहीं ना कहीं मतदाताओं ने स्वीकार नहीं किया? हाँ, हो सकता है कुछ इस तरह का हुआ हो। अदरवाइज उपेन यादव बेरोजगारों के लिए लड़ने वाले और यूथ से कनेक्ट करने वाले कार्यकर्ता थे, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है अलका जी, कि उन्होंने लगातार बेरोजगारों को लेकर के आवाज भी उठाई, आंदोलन भी किए और बेरोजगारों के मसले पर बीजेपी से ज्यादा आंदोलन किए। मुझे लगता है कि इसकी वजह से गोयल साहब बीजेपी ने उनमें संभावनाएं देखी होंगी। मुझे लगता तो ऐसे ही है, पर ये है कि अब जो जीता वही सिकंदर जी। बिल्कुल राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी जिस हिसाब से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे, जब टिकटों को लेकर के मंथन किया जा रहा था, बहुत सोच समझ करके बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारे थे और वो अब यहां पर नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर बीजेपी की बात कर ले तो कई नए चेहरों पर बीजेपी ने दाव खेला था, विश्वेंद्र सिंह मेवाड़ जैसे कि अभी हम अपडेट दे रहे थे कि बढ़त बनाए हुए हैं जी। काफी जैसे विश्वेंद्र मेवाड़ जी का है, वहां पे एक नया चेहरा है और ये सीट बीजेपी के खाते में इसलिए गई जाएगी और बढ़त भी है कि वहाँ पे काफ़ी मजबूत जो है पोलिंग जो है वो बीजेपी के जो कोर कैडर है वो वहाँ पे लामबंद है और उनके लिए प्रयासरत रहा। बिल्कुल, और लगातार अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कौन कहां से जीत हासिल कर रहा है। और देखिए जिस हिसाब से अभी आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी जीती है, आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चित्तौड़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह जीते। अच्छा, ये इस पर एक टिप्पणी बनती है बीजेपी की तरफ से अलका जी, कहा जा रहा था कि उनको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया और के बाद वो बागी हो गए। अब देखिए उनको जीत हासिल हुई है, दुख तो नहीं हो रहा?
दो बार के एमएलए हैं वहाँ से। क्या गलती हुई प्रत्याशियों को चयन करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की? कहीं ये सब समीक्षा का विषय है, कुछ सीटों पर नेतृत्व बैठकर समीक्षा जरूर करेगा जी। और जो परिणाम आए हैं, जैसा भी इन्होंने कहा, जो जीता वही सिकंदर है। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, कोर कार्यकर्ता है, वो चंद्रभान सिंह आक्या के साथ शुरुआत से लगा रहा था। जब आपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया बीजेपी ने, उसके बावजूद चंद्रभान सिंह के साथ बीजेपी का जो कोर, जिसे हम कहेंगे कि कोर वोटर कह लीजिए या कार्यकर्ता कह लीजिए, जो जमीन पर मेहनत करता है पार्टी के लिए, वो उनके साथ शुरू से नजर आ रहा था। तो पहले से ही इस तरह की आशंकाएं, संभावनाएं दिख रही थी? कई बार टिकट के लिए जब लिस्ट बनती है तो दो तीन नाम जाते हैं आला कमान के पास, और कई बार वो फिल्टर होने में मुझे लगता है कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं कि कुछ विनिंग कैंडिडेट नहीं चूज कर पाते और एक नए चेहरे पे दाव खेल लिया जाता है। तो शायद यही कारण रहा होगा कि शायद वो लिस्ट जो बनी उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक रही। पर यह भी जो इनकी विचारधारा वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती हुई विचारधारा ही है, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, तो मुझे लगता है ये भी एक तरह से फिलहाल के लिए बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इफ एंड बट थोड़ा सा भी होता है, रत्ती भर सा भी होता है, तो क्या अलका जी फिर चंद्रभान जी से संपर्क किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? नहीं, वो तो हमारी ही टीम का एक मेंबर रहे हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, और वो हमारे पास ही आएंगे, वो दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। तो वो पहले भी आ रहे थे, आप लोगों ने नहीं अपनाया, इसका भी जवाब दीजिए फिर। नहीं, वो हमारे, वो पूछेंगे कि हम तो भैया पहले आ रहे थे, आपने नहीं अपनाया। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले नहीं माने, हाँ, तो अब मान जाएंगे क्योंकि अब जीत चुके हैं। संपर्क में है पार्टी? अब इतना तो मुझे, मैं आपके पास यहाँ बैठी हुई हूँ, पार्टी का क्या वहाँ पर है, वो तो राजस्थान से राष्ट्रीय सचिव है, पार्टी की स्ट्रेटेजी, पार्टी की रणनीति, आप वाकिफ हैं। आपने 6 बजे से तो मुझे पकड़ा हुआ है यहीं पर, तो मैं यही हूँ। लेकिन एक टिप्पणी चाहता हूँ, जो शाहपुरा वाली सीट की टिप्पणी थी उसको लेकर के, यहाँ पर मनीष यादव ने जीत हासिल की है, ये भी छात्र राजनीति से निकले, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता, और यहाँ पर इनको जीत हासिल हुई है। लेकिन क्या बेरोजगारों का मुद्दा इस सीट पर नहीं चला है? क्योंकि उपेन यादव को जब टिकट दिया गया था, क्या लगता है अलका जी की शुरुआत से ही बीजेपी यहाँ पर जो है चुनाव नहीं पकड़ पाई थी? देखिए, उपेन जी को वो छात्र ने, वो एक तरह से बेरोजगारों के नेता भी है, यूथ को भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन टिकट उनको काफ़ी लेट मिला था, और वो एक, ये कहा जाए, पॉलिटिकल प्राणी नहीं है, वो इश्यू के लिए लड़ने वाले नेता थे, तो हो सकता है उनको समय नहीं मिला, इस वजह से कहीं कोई चूक रह गई हो। अब बाकी तो फिर समीक्षा की जाएगी कि क्या कारण रहे। अब आपको एक और ये टिप्पणी है कि कहाँ तक जाएगा ये आंकड़ा, जैसे जैसे अब नतीजों में परिवर्तित होता जा रहा है रुझान, कहाँ तक जाएगा ये आंकड़ा? तो ये आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों के साथ, ये एक बार अनुमान थोड़ा सा बता दीजिए। सीटों का अनुमान तो आप लोग लगाएंगे, हमने कहा था हम मेजोरिटी लेकर आएंगे, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आज आप बता सकते हैं, आज तो काउंटिंग चल रही है अलका जी। हमने कहा था हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर आएंगे, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन कांटे की टक्कर है, कांग्रेस हारी नहीं, कांटे की टक्कर दे रही है, आप ये देखिए पहले आंकड़ों में। अब आप इसको भी कांटा कहते रहो तो कांटा यही अटका रह जाएगा, सरकार हम बना रहे हैं। अच्छा, सुना कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि अभी तो ये रुझान सामने आ रहा है, परिणाम आने दीजिए। वो हमने एक देखा था मुंगेरी लाल के सपने, वो मुंगेरी लाल कहीं ना कहीं अभी जीवित आत्मा उनमें है, बाकी गुंजाइश। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें हमारे दर्शकों को, शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव ने जीत हासिल की है, और अब परिणामों का सिलसिला लगातार, नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है। मंडावा से रीता चौधरी जीती हैं, चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या ने जीत हासिल की है, झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीत हासिल की है। बिल्कुल, और देखिए जैसलमेर से बीजेपी के छोटू सिंह अब भाटी जीते हैं, तो देखिए बीजेपी यहाँ पर जीता हासिल करते हैं, और जिस हिसाब से अभी देखिए रुझान सामने आ रहे हैं, वहां पर अगर कांग्रेस की भी बात कर ले तो देखिए मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी जीती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी राहत की खबर है। चित्तौड़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह जीते हैं, कहा जा रहा था कि निर्दलियों का जो रोल है वो काफी अहम हो जाता है। और सीधे एक बार आंकड़ों के लिए चलते हैं, जो अपडेट आंकड़े क्या, ममता बताएंगी जी, ममता बताइए क्या अपडेट है आपके पास?
राम गेदर जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो जिला डूंगरपुर के विधानसभा आसपुर की अगर बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी के उमेश मीणा यहां पर 20,000 से अधिक वोटों से जीत यहां पर उन्होंने दर्ज की है। भाजपा के गोपी चंद को उन्होंने यहां पर हराया है। टोंक की अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट अभी भी 16वां राउंड पूरा हो गया है, आगे बढ़त बनाए हुए है। साथ ही खंडेला से भाजपा के सुभाष मील उनकी भी जीत पक्की मानी जा रही है। इसी के साथ ही अगर मैं बात जोधपुर के सरदारपुर विधानसभा से बात करूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा से अशोक गहलोत अभी भी वो बढ़त बनाए हुए हैं, जीत उनकी पक्की मानी जा रही है। मैं ओवरऑल एक बार आपको बता देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 93 पर अभी वो लीड कर रही है, 17 जीत लिए हैं। साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो 63 पर लीड है और 10 सीटें अभी तक पूरी जीत ली है। अदर्स की मैं बात करूं तो 14 पर लीड है और दो सीटें जो है वो इस वक्त जीत ली है। तो ये पूरा टोटल आंकड़ा इस वक्त हिम्मत निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक के बाद एक अब नतीजे सामने आ रहे हैं। ममता जैसलमेर से बीजेपी हवा महल से भी मैं आपको बता देती हूँ, बाल मुकुंद आचार्य की जीत यहाँ पर हुई है, वो भी हवा महल सीट काफी बड़ी सीट थी और यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए वो नजर आ रही है। अंतिम राउंड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है बढ़त बनाई, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है लेकिन हाँ जीत पक्की मानी जा रही है। अभी सवाईमाधोपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 10वां राउंड वहां पर चल रहा है और वहां पर अभी भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वो है आगे इस वक्त। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही बांसवाड़ा विधानसभा में भी 18 राउंड पूरे हो गई है, भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत यहाँ पर बढ़त बनाए हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर टिप्पणी लेना बेहद जरूरी बन जाता है। बाल मुकुंद जीत गए हैं पल्लवी, हवा महल से सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर शहर की सीट हवा महल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीत ली है। बीजेपी की तरफ से बाल मुकुंदाचार्य को यहां पर उतारा गया था, प्रत्याशी चेंज हुआ, इस बार नया प्रयोग सफल रहा हल्का जी। ये सनातन की जीत है। और यहाँ पर मुझे अलका जी सीएम का वो बयान याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो बीजेपी कर रही है अगर वो कामयाब हुई, अगर बीजेपी की तरफ से जो धर्म का कार्ड खेला जा रहा है वो कामयाब हुआ तभी बीजेपी आएगी, अदरवाइज कांग्रेस की सरकार बनेगी। टिप्पणी दीजिएगा आप। देखिए इस बारे में बहुत लंबी बात मैं कह सकती हूँ। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार थी, मेवात एक तरह से संगठित अपराधों का हब बन गया था बिकॉज कांग्रेस की तरफ से उनको बिल्कुल हाथ था, सपोर्ट था। आप देखिए एक घटना होती है जयपुर में, एक मनु वैष्णव नाम का लड़का है जिसकी हत्या हो जाती है और एक रोड रेज की घटना होती है। रोड रेज की घटना में 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरस का बूथ आवंटन हो जाता है, मनु वैष्णव को सिर्फ सांत्वना दी जाती है। ये क्या है? ये ध्रुवीकरण नहीं है? ये तुष्टिकरण नहीं है? ध्रुवीकरण हुआ है जैसलमेर और इसके लगती हुई जो सीट है शाले मोहम्मद की सीट है, क्या समझ रही हैं आप अलका जी? वही है, धर्म की राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, विचारधारा हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं लेकिन कांग्रेस आपकी कथनी और करनी में अंतर है। हमारी कथनी करनी में कभी अंतर नहीं रहा, उनकी कथनी करनी का अंतर स्पष्ट है जो जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। वो 4.5 साल तक तो कुर्सी खेलते रहे और अब उन्होंने जो गारंटियां निकाली थी जिसकी खुद की गारंटी नहीं थी, जनता ने बता दिया आपकी खुद की गारंटी नहीं है, आप क्या गारंटी किसी को देंगे? चलिए ठीक है, राकेश जी के पास जाते हैं। राकेश जी, आपको बिहार का चुनाव याद होगा जब नीतीश कुमार ने कहा था जनता से कि आप एक बार बस मुझे मौका दे दो, उसके बाद तो पता नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। मतलब उन्होंने एक संकेत दिया था कि आगे वो हो सकता है चुनाव ना लड़े, इसलिए इस बार उन्हें सीएम बना दिया जाए। ऐसी बातें तो सीएम अशोक गहलोत ने नहीं कही लेकिन हाँ इससे मिलती जुलती जरूर कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई है पूर्व में तो उसे भुला दीजिए लेकिन जनता के हक में, आप अपने हक में, राजस्थान के हक में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा। बातों का असर नहीं हुआ क्या, आपको क्या लगता है? देखिए होता क्या है कि जनता बड़ी समझदार है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो ये सब चीजें जो इमोशनल कार्ड है ये इस तरीके से चलने वाले नहीं है। जनता देखते है, आपने पिछले 5 सालों में आपको मौका दिया, आपने क्या किया, हमारे लिए कितना विकास किया और जिस तरीके तुष्टिकरण की जो चीज़ें घटना सामने आई तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में प्रभाव डालती है। और जैसे हमने बात की बाल मुकुंदाचार्य जी की, तो राजनीति में अगर धर्म का
आवरण हो रहा है, अवतरण हो रहा है, तो अच्छी बात है। ये धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। और विधानसभा में अगर एक दो तीन अगर हमारे धर्माचार्य रहेंगे तो ये राजनीति के लिए भी अच्छा है। नहीं तो कांग्रेस कहती है हम चिल्लाते नहीं है, हम करते हैं धर्म की, हम भी धर्म को मानते हैं लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के उसे बताते नहीं है सबको। चुनाव आते हैं तब प्रियंका जी यज्ञ करने लगती है, बाकी भूल जाती है। ये जनेऊ भी उल्टा पहन लेते हैं, इनके बारे में ना ही बोले धर्म के बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसलमेर और पोखरण सीट को लेकर के क्या पोलराइजेशन का इम्पैक्ट है और इसका इम्पैक्ट पोखरण पर भी देखने को मिलेगा? जैसलमेर पर रूपाराम धनदे चुनाव हार गए हैं, सामान्य सीट है, रूपाराम धनदे कांग्रेस के विधायक, और इस बार छोटू सिंह भाटी यहां से चुनाव जीत गए बीजेपी के। गोयल साहब जी, पोखरण वाली बेल्ट जितनी भी है या ये जैसलमेर की बेल्ट है, ये कहीं ना कहीं इस पर अभी जो प्रभाव है वो भाजपा का प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। और अच्छा हुआ जो भी हुआ, और जनता ने जिसको अपना नज़दीकी समझा, जिसको जनता को लगता है ये सेवा भाव की वजह से हमारे साथ रहेंगे या स्वार्थ भाव में नहीं है, तो स्वार्थ भाव को छोड़ के सेवा भाव के जितने कैंडिडेट हैं उनकी जीत हो रही है, तो शुभकामनाएं मेरी तो इनको सबको, विधायकों। ये अलका जी, इसका असर क्या आप पूरे पश्चिमी राजस्थान में देखते हैं? जैसे मैं देखता है कि छोटू सिंह भाटी और सांग सिंह दोनों लगातार इस बार जैसलमेर में सक्रिय हुआ करते थे, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को यहाँ पर कांग्रेस ने पिछली दफा खड़ा किया, उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन इस बार पलटने में वापस बाजी कामयाब हुई है बीजेपी, स्ट्रेटेजी क्या थी यहाँ की? जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को जो टिकट दिया गया तो उसके साथ कनेक्ट किया जनता ने भी, उसके साथ कनेक्ट किया यूथ ने भी, उसके साथ कनेक्ट किया कार्यकर्ताओं ने भी, और यही जीत का सबसे बड़ा कारण रहा। और मोदी सरकार की जो नीतियां थी उनका जो प्रभाव है वो तो पूरे राजस्थान में नजर आया है। ये बार बार बात होती थी ओपीएस की, ईआरसीपी की, पूर्वी राजस्थान की, जब भी बात हुई ईआरसीपी पर कांग्रेस ने यात्रा भी निकाली, ईआरसीपी की बात होती थी, महंगाई की बात होती थी, आपको लगता है कि ये फैक्टर कहीं ना कहीं चले नहीं है, जनता ने नकार दिया इन चीजों? देखिए, ईआरसीपी का सच जो है वो जनता समझ गई थी कि बार बार हमारे जल शक्ति मंत्री वहां पर बैठक बुलाते थे, इनके मंत्री बैठकों में नहीं जाते थे क्योंकि ये इशू बेस्ड राजनीति करना चाहते थे, जनता से ही, जनता को राहत देने से इनका कोई मन नहीं था। और जब जब ईआरसीपी के बारे में बात की, कमलनाथ जी इस ईआरसीपी के मुद्दे को उलझा कर गए थे, कोर्ट में मसला चला गया, उसके बाद भी ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिस्से से ज़्यादा पैसा देने को तैयार थी लेकिन इन्होंने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनाकर नहीं दी, तो कांग्रेस की ढील थी क्योंकि ये इसको चुनावी इशू बनाना चाहते थे। नहीं, महंगाई का जहां तक बात है, महंगाई को तो जनता ने नकार दिया था पूरी तौर पर। आपके पास क्योंकि रट के पास चलते हैं, ममता के पास कुछ अपडेट है? जी ममता बोलिएगा। देखिए, जोधपुर के लूनी विधानसभा से भाजपा के जोगाराम पटेल ने जीत यहां पर दर्ज कर ली है, और कुछ बड़े अपडेट हमारे पास है। भीम से हरि सिंह रावत जीत गए हैं, और इसके साथ ही यहाँ से हवा महल से ही बालमुकुंद आचार्य जो बीजेपी के हैं वो भी जीत, उन्होंने भी दर्ज हासिल कर ली है। कितने वोटों से बालमुकुंद आचार्य की जीत हुई है कुछ पता है ममता? देखिए, वो अभी आंकड़ा मैं आपको बता दूंगी कि कितने वोटों से जीत दर्ज की है, लेकिन मैं जयपुर की 19 विधानसभा में से आपको बता दूं कि चोमू से डॉक्टर शिखा मील 12 उन्होंने जीत दर्ज की है, और शाहपुरा से मनीष यादव जीते हैं, बगरू से कैलाश चंद वर्मा, चाकसू से भी बैरवा की जीत यहाँ पर दर्ज होती हुई नजर आ रही। कुछ और बड़े अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि चौमू से कांग्रेस की शिखा मील जो है 6200 वोट से जीती हैं, और बीजेपी के रामलाल शर्मा को हराई हैं वो, और अनूपगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की सिमला देवी जो है वो जीत दर्ज की हैं, 37881 मतों से वो जीत दर्ज की हैं। एक और है सूरतगढ़ सीट पर कांग्रेस के डूंगर राम गेदर जो हैं वो जीत दर्ज किए हैं, उनको 49518 वोट मिले हैं, वो इतने वोटों से वो जीत दर्ज किए हैं। जोधपुर लूनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जो है जोगाराम पटेल जीते हैं, सीकर विधानसभा क्षेत्र से जो है कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र पारिक जो है वो आगे चल रहे हैं, आखिरी राउंड की गिनती है, लगभग 27,000 वोटों से जो आगे चल रहे हैं। देखिए, ये बड़े अपडेट जो है इस वक्त हेमंत निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ और बड़े अपडेट आपके पास? कोई अपडेट इस वक्त? देखिए, बड़े अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। मडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी ने यहां पर जीत दर्ज की है, ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। सिरोही से अगर मैं बात करूं तो पिंडवाड़ा अबू जो है वो इस वक्त यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज कर रहे हैं। जयपुर के हवा महल से लगातार बता रहे हैं किसने जीत दर्ज की है ममता, यहां पर सामाराम सामाराम गरासिया यहां पर जीत गए हैं, आधिकारिक ऐलान हो गया उनका। देखिए, बीजेपी की जीत यहाँ पर हुई है, ये साफ तौर पर इस वक्त निकलकर सामने आ गया है। और अच्छा, बाड़मेर की शिव विधानसभा की कोई अपडेट है ममता इस वक्त आपके पास में? देखिए, अभी उसकी अपडेट मैं आपको
थोड़ी देर में उसके बारे में जानकारी दूंगी कि क्या अपडेट उसके बारे में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आदर्श नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस इस वक्त आगे है। सत्रहवें राउंड में कांग्रेस के रफी खान जो है वो इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और जयपुर जयपुर के हवा महल सीट पर बाल मुकुंद आचार्य ने अंतिम राउंड में जो है बाजी पलट दी है। कांग्रेस के प्रत्याशी आरआर तिवारी को हराकर यहां पर उन्होंने बाजी पलटी है। और घाटोल विधानसभा के 22वें राउंड में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अशोक जो है वो इस वक्त आगे बने हुए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की खंडार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार इस वक्त आगे जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और सीकर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र पारेख की जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। अभी फिलहाल ये आंकड़े हेमंत निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, आपके पास ममता वापस आएंगे। अब हेमंत एक बार लवली का रुख कर लेते हैं, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है आपके पास। देखिए, विद्याधर नगर से बंपर जीत जो है वो दिया कुमारी जी ने दर्ज कर ली है। इस वक्त जयपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजस्थान की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, दिया कुमारी जी जीत के बाद में इस वक्त मतगणना स्थल पर पहुंच चुकी है। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैडम, आपकी अहम भूमिका रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? ये सारे सवाल तो बाद में आएंगे ना, अभी हमारी डिक्लेयर तो होने दीजिए सारी सीटें वगैरह। और बहुत अच्छी सर, हम लोग जीतेंगे, बहुत अच्छी जीत होगी बीजेपी की। मैडम, दो सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। पहले तो इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और आज आप आज कई दिनों बाद में ये लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ आपके चेहरे पे भी बेहतर मुस्कुराहट जो देखने को मिली। चलिए, क्यों पहले टेंशन थी क्या? नहीं, देखिए चुनाव के समय तो ये होता ही है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही है। लेकिन पूरी श्रेय तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगी, पूरी टीम को देना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि जनता ने जो विश्वास जताया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे और टीम बीजेपी पे, जिसमें हमारे माननीय श्री जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सारा जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता, जिस तरह से सबने कलेक्टिवली मिलजुल कर एफर्ट किया, मेहनत की, और उसका नतीजा है कि हमारी सरकार राजस्थान में बहुत बड़ी बहुमत से बनने जा रही है। मैडम, पहले आपको भेजा गया सवाईमाधोपुर, फिर राजसमंद, और अब आप राजस्थान विधानसभा में जयपुर के रास्ते जा रही है। कितनी खुशी हो रही है, जब जयपुर का राज परिवार, जयपुर से जुड़ाव था पहले से, इच्छा तो यही थी आपकी शुरू में विधानसभा आने की? नहीं, ऐसा है, पार्टी ने जहाँ से भी मुझे टिकट दी मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा। और ये बहुत ही मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि जहाँ जहाँ से मुझे टिकट मिला वहाँ से मैं जीती भी। तो इसका मतलब जनता ने मुझ पे विश्वास किया, मोदी जी पे किया, भारतीय जनता पार्टी पे किया, तो बहुत अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। और वैसे जनता करती है बीजेपी पे, जो विश्वास है ना जनता का, वो अटूट विश्वास है। और इस बार प्रूव भी हो चुका, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इज देयर टू स्टे, ये जा नहीं रही है, ये रहने वाली है, और पूरी तरह से रहने वाली है। और डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करेगी। मैडम, आपके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट को दूसरी बार टिकट मिला था, लेकिन विद्याधर नगर में आपको पहली बार भेजा गया विधायक प्रत्याशी के रूप में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल विद्याधर नगर की जनता का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझ पर विश्वास जताया। और मेरा भी बहुत बड़ा इसलिए दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों के सारे काम करूं। मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगा कि आपके काम लवली बने रही है हमारे साथ में। और सीधा एक बार ममता का रुख कर लेते हैं, जहां पर ममता बताएगी ताजा आंकड़े, ताजा नतीजे क्या है। जी ममता, निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। आगे चल रही है या पीछे चल रही है? जी दिव्या, दिव्या मदेना के लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, चंद्रशेखर से जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर, क्या स्थिति है दिव्या मदेना के, जो ओसिया विधानसभा की बात करें? देखिए, बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन बात करें तो फिलहाल जो है दिव्या मदेना करीब 212 वोटों से आगे चल रही है। और नहीं, लेकिन थोड़ा और अपडेट हुआ है उसमें, कुछ और अपडेट हुआ है, दिव्या मदेना पीछे हुई है। जानकारी जुटाइए, आपके पास लौटेंगे। तो विधानसभा वार सीटों के हिसाब से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें 107 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 80 सीटों पर कांग्रेस और 3 अन्य। सीधा आप रुख करेंगे, हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही है रिजल्ट आपसे। आयुषी, क्या अपडेट आपके पास, आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं? राजस्थान की बात कर ले तो देखिए 190 सीटों के रुझान सामने आए, बीजेपी 107 पर आगे है, कांग्रेस 80 पर और अन्य के खाते में 3। और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर होती हुई यहां पर दिख रही है। लगातार देखिए जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी अब बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान भी जो सामने आए थे उसमें बीजेपी बढ़त दिख रही है और अभी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देखिए पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी अब पार करती हुई नजर आ रही है। जो कहा जा रहा था कि बागी और निर्दलीय यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी को एक फायदा होता
होता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलेगा। इस वजह से अगर लगातार हम आंकड़ों की बात करें और अभी भी आपको बता दें लीड कौन कहां से लेता हुआ नजर आ रहा है ये आपको अपडेट दे दे। देखिए अगर हम बात कर ले सीकर से तो यहाँ से सुभाष महरिया बीजेपी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर की बात करें साचौर से यहाँ पर तो सुखराम बिश्नोई कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलवर की अगर हम बात कर ले तो देखिए टीकाराम जूली यहाँ से कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए 190 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 107 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस 80 सीटों पर और अन्य के खाते में 3। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त जो टैली है जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको सामने रख देते हैं। 107 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 80 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अदर्स यानी 3 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट भी गिन लिए गए हैं, बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील होते हुए जो आंकड़े सामने आएंगे वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। 190 सीटें बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेरणा पीछे चल रही है। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेरणा पीछे चल रही हैं। दिव्या मदेरणा को लेकर ओसिया की सीट को लेकर कहा भी जा रहा था कि बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन चूंकि ये शुरुआती रुझान है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कालीचरण सराफ यहां पर इस वक्त मौजूद है, महेश काशी रुख करते हैं। महेश में समय में कालीचरण सराब जी मौजूद है, मालवीय नगर विधानसभा की मैं बात कर लूं सर, पहला राउंड लगभग हो गया है। पहला राउंड में 1389 वोटों से मैं लीड कर रहा हूं। तो अब आगे के राउंड में क्या उम्मीद है? 50,000 से ऊपर, क्योंकि टोटल 18 राउंड होंगे, 20 राउंड होंगे, तो पहले राउंड में 1389 वोटों से आगे हूँ, इसका मतलब 50,000 को क्रॉस करेंगे। जी पिछली बार अगर पिछले चुनाव को देखें काफी कम जो है मार्जिन था, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ थी, इस बार कांग्रेस के साथ है। पूरे प्रदेश भर की जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड कर रही है, 135 सीट से ऊपर जीतेंगे। किस तरह से आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से पूरा बहुमत के साथ में आने पूरी पूरा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरा बहुमत प्रचंड बहुमत। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी किया गया था, लेकिन शुरुआत जो रुझान मिल रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से वो पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये, 218 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो चयनिका जी ये बताइए कि बहुत जल्दी है, मैं समझ रहा हूं अभी बेवकूफी होगा ये कहना कि इतने जल्दी हम नहीं कह सकते जीत हार, लेकिन ये आगाज गोविंद सिंह डोटासरा जी का 218 वोटों से पिछड़ते हुए हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सीटों के बीच बोलिए मैम आप बोलिए दो, महत्वपूर्ण ये है कि वोटों के बीच में अंतर कितना है। जब अंतर कम होता है और पहले राउंड की वोटिंग हो रही है तो आप कई बार ये होता है कि किसी एक ईवीएम में किसी एक के फेवर का बूथ हो, दिव्या मदेरणा भी पीछे है। हाँ, लेकिन वो भी अंतर कुछ 100, 100 कुछ 20 वोट ऐसे वोट है, तो ये वोट तो आगे की काउंटिंग के अंदर कभी भी अलट पलट सकते हैं। एक तो 83 सीटें कांग्रेस के पास, 105 बीजेपी के पास, इसको भी कवर कर लेंगी और बढ़त भी बना लेगी कांग्रेस। देखिए अभी आने तो दीजिए ना, कांग्रेस बढ़त बनाएगी। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, अभी तो 9 ही तो बजे हैं, आधा घंटा वो पहला राउंड पूरा हुआ है और आप अभी रिजल्ट निकाल देना चाहते हैं। यहाँ पे लगातार चर्चा हो रही है, मैं आपसे समझना यही चाहूंगा कि क्या लंबी कतारें जो आधी आबादी की वोट देने के दौरान दिखाई दी तो बीजेपी के पक्ष में गई है। देखिए उससे पहले मैं वो बताना चाहूंगी कि डोटासरा जी पहले कहते थे पूर्ण बहुमत, बाद में 90 सीटों पर आ गए थे। और अब रिजल्ट बता देंगे कि वो 90 पे कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और जीत सबकी किसकी पहले हुई। इस सारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, सबके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जो है मैं अपने मेहमानों के साथ करवा देता हूं। आरजे मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राखी राठौड़, इनसे आप भलीभांति परिचित होंगे, लगातार जो है वो हमारी डिबेट्स में नजर आती हैं बीजेपी की तरफ से। प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और अमित भट्ट जी हमारे साथ जो है वो एडिटर न्यूज 18 राजस्थान हमारे साथ लगातार बने हुए। सबसे पहले चतुर्वेदी जी मेरा सवाल आपसे है कि इन उम्मीदों की या इन नतीजों की जो है वो उम्मीद आपने की थी, आपके सामने है रिजल्ट? नहीं, यह परिणाम हमारी आकांक्षाओं के विपरीत हैं, लेकिन मुझे मानना होगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम स्वागत भी करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महीने पहले एक बात कही थी कि प्रदेश में मंत्रियों के खिलाफ इनकम्बेंसी का फैक्ट है, तो मुझे लगता है वो सत्य बात साबित हुई है और मंत्री लगभग हमारे जितने मंत्री हैं जो चुनाव में गए और जनता ने उनको नकार दिया, तो मैं समझता हूँ ये उनका आकलन ठीक था और जनता ने उन्हें नकारा है, तो हम जनता के इस
मैंडेट को स्वीकार करते हैं। आप जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन सर कई बार जो है वो जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम ने, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं पब्लिक वेलफेयर की जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंची हैं, और इस बार जो नतीजे बार बार वो जो है वो 156 की भी बात कर रहे थे, तो कहीं दूर दूर तक ये आंकड़ा इस समय नजर नहीं आ रहा है। देखिए बात वो नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जितने कार्यक्रम प्रदेश में लागू किए वो अभूतपूर्व थे और लोकप्रिय भी थे और जनता ने उनको सराहा भी। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने 4% वोट ज्यादा जो है मैंडेट जो हुआ महिलाओं का, वो मैं मानता हूं कि उनकी जो योजनाएं थी जिसमें किसानों की योजनाएं थी, 2000 बिजली हमने फ्री दी, उसके बाद चिरंजीव योजना लागू की, गोबर खरीद का हमने 2 रुपये किलो का प्रावधान रखा, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर जो हमने सब्सिडी 500 रुपये देने की बात कही थी वो महिलाओं के लिए ही था, क्योंकि एक गैस सिलेंडर एक महिला 4 वोट को प्रभावित करती है, और हमारी आकांक्षा ये थी कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी। तो मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने वोट दिया है, लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे कैंपेन में जूझते रहे और उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर प्रदेशवासियों से विश्वास भी जीता, लेकिन मेरा मानना है कि लीडर अकेले बिना टीम के काम नहीं कर सकता, तो उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने किसी कार्यक्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी, जनता में उनका विश्वास पैदा हुआ, लोग जनता ने उनको माना, लेकिन मुझे लगता है टीम का जो काम था वो नहीं हो पाया और उससे शायद हम लोग इस सिस्टम में पिछड़ गए। इसका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं, फिर अमित सर मैं आपके पास भी अभी आऊंगा। राखी जी आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आए थे, राजस्थान के दौरे पे थे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत साहब ने अपनी हार मान ली है, उन्होंने कहा है कि जो योजनाएं हमने चलाई है बीजेपी आते ही बंद कर देती है, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने कहा था वो फलीभूत हुआ आज। बिल्कुल फलीभूत हुआ, और मैं तो यही कहना चाहूंगी देश में अगर किसी की गारंटी को जनता ने माना है, अगर लोगों ने माना है कि किसकी गारंटी सक्सेसफुल होगी या जिस पर विश्वास है, तो वो मोदी की गारंटी है। ना केवल राजस्थान में जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और ये जनता का विश्वास है जिसने आदरणीय मोदी जी के विजन को, जिसमें राष्ट्र प्रथम को रखते हुए हमेशा काम किया है, उस विजन को यहाँ पर जनता का भरोसा हमें मिला है, और मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी हर एक कार्यकर्ता को, यहाँ की जो पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो कैडर है, उनको इस जीत का श्रेय जाता है, हम सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर आकर के काम किया, और उनका ही ये विश्वास था, उनका ही एक भरोसा था जिसकी वजह से हम लोग आज जीत सुनिश्चित कर पाए। नतीजों की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल थी। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगी जो न्यूज 18 का सर्वे था, जो राजस्थान का सर्वे था, मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपका एग्जिट पोल जो था वो लगभग बिल्कुल नजदीक आ रहा है। आपने 111 सीट कही थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे, लेकिन आपका एग्जिट पोल, आपकी ग्राउंड रियलिटी बहुत एग्जैक्ट पोल के नजदीक पहुंच रही है। मैं बधाई देना चाहूंगी आपकी भी टीम को, लेकिन जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे थे, देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक सामूहिक नेतृत्व का, जिस तरह से अशोक गहलोत जी का किसी ने साथ नहीं दिया ऐसा प्रदीप जी कह रहे हैं। देखिए अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग हमने 5 सालों में किया, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में अगर ऐसे शब्दों का आदान प्रदान होगा तो कोई भी साथ देगा नहीं, विश्वास का एक भारी कमी जो है वो पार्टी में अपनी ही लोगों में नजर आएगी। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां सामूहिक काम था वहां पे जीत हुई, जीत ऐसी जिसका हमें पूरा विश्वास था, और जो एग्जिट पोल थे उसमें कई तरह के व्यूज आ रहे थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे चल के हम उससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे। हमारे साथ एक और नौजवान युवा भी मौजूद है 94.3 MyFM के RJ मोहित। मोहित आप संवाद की दुनिया में जो है वो आपका बड़ा नाम है, आपको लगता है कि ये इस तरीके के नतीजे थे, आपने इनको लेकर भी कभी अपने FM पर ये चर्चा की थी? देखिए हमारी पहचान होती है कि हम बिना कोई नाम लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, तो मैं नाम यहां पर किसी का नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब किसी प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं कि आप ये भी फ्री में ले लो, वो भी फ्री में ले लो, कैश बैक भी ले लो, तो कहीं ना कहीं डाउट आता है कि प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो आज आंकड़े देखकर यही देखने को मिल रहा है कि जो इतने सारे ऑफर्स थे तो लोगों को वो नहीं लुभाए, और लोगों को लगा कि इतने सारे ऑफर्स देने का क्या कारण है, तो विश्वास उस प्रोडक्ट पर थोड़ा कम हो जाता है, तो योजनाएं इतनी नहीं लुभाई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो योजनाओं के अंदर हिडन कंडीशंस थी वो वोटर्स ने पढ़ ली? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बोर्ड पर इतने सारी योजनाएं हमें देखने को मिली वो शायद लोगों ने देखी तो, पर उनके दिल में नहीं उतर पाई। मैं अमित जी के पास अब जाना चाहूंगा। अमित जी नतीजे आपके सामने हैं, लेकिन इन नतीजों के अंदर बहुत दिलचस्प तथ्य ये भी सामने आए कि जो बड़े बड़े नाम थे,
जो पार्टी के खेवनहार कहे जा सकते हैं उनकी साख दांव पर लग गई और कई बड़े नाम हार गए। आसिफ, जब से ये चुनाव की गहमा गहमी शुरू हुई है, जब से इसकी हलचल शुरू हुई थी आज से 4-5 महीने पहले, तो हम लोग अपने न्यूज रूम में बात करते थे कि हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस हैं, हमने पुराने जो चुनाव देखे हैं, ये चुनाव कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग था। सबको ये लग रहा था कि क्या कोई दोनों ही पार्टियां जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, या बल्कि अपने जो बड़े नेता हैं उनको निपटाने में लगी हुई हैं, क्या इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और अभी जो कई चौंकाने वाले नाम हैं जो हार गए हैं, कई चौंकाने वाले नाम हैं जो जीत गए, जिनकी हार एकदम तय मानी जा रही थी, वो लोग जीते हैं। अभी जो फाइनल टैली आ रही है, एक मोटा मोटी जो आ रहा है, 115 के आसपास बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस 68 के आसपास। इसमें ये जो 16 अन्य जो आ रहे हैं, अदर्स जो आ रहे हैं, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत ही अलग तरह का प्रदर्शन किया है, निर्दलीय जो आ रहे हैं वो जो पार्टियों के बागी हैं, तो ये बड़ा ही अलग तरह का था। इसलिए ये नतीजे वाकई में उन बड़े नेताओं के लिए चौंकाने वाले नाम हैं, उनके लिए बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। लेकिन कमोबेश अगर जो चुनाव को जीते हैं, जो इलेक्शन की पल पल की चीजों में अपडेट रहते हैं, उनके लिए ये नतीजे इतने चौंकाने वाले नहीं लगेंगे जैसे कि अभी राखी जी ने बोला। अमित जी, एक और सवाल है मेरा, आपको इस समय इन आंकड़ों को देखकर कैसा लग रहा है, जब आपके नेतृत्व में आपकी टीम ने सर्वे किया और यही आंकड़े जो हमने जो है अपने दर्शकों को बताए थे, कमोबेश वही आंकड़े जो है इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं। आसिफ, ये हमने कोई सर्वे टाइप जैसा कुछ नहीं किया था या एग्जिट पोल टाइप नहीं किया था। हमने जब इलेक्शन के दूसरे दिन जब हम लोगों ने एडिटर्स पोल किया था, तो हमारे साथ में राजस्थान के सबसे बड़े जो पब्लिकेशंस हैं, जिनको लोग देखते हैं, बड़े मीडिया हाउसेज हैं, हमने सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उनकी टीम से भी हमने बात की थी। उनका नेटवर्क बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर है। और ऑफकोर्स हमारी जो न्यूज 18 राजस्थान की टीम है, 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8-8 चुनाव कवर किए हैं, बहुत ही माइन्यूटली उनकी नजर रहती है और राजनीति पर उनकी बहुत पकड़ रहती है। तो एक हमने एक एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से हमने ये एक मोटा मोटी एक चीज बताई थी कि इतना हो सकता है। और हमें खुशी है इस बात की कि हम एक बार फिर अपने दर्शकों के भरोसे पर कामयाब एक बार खड़े उतरे हैं, और जो हमारा दर्शक है वो आज भी हम पर इसीलिए भरोसा करता है क्योंकि जो अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, जो हमारी टेक्निक्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो औरों से काफी आगे हैं। जब लोग चौथे या पांचवें राउंड की बात कर रहे हैं, हमारे पास 10वें राउंड की अपडेट होती है, और इसी के दम पर हम सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे अपने दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि हम डिजिटल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इस समय जो है वो देखे जा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, कहीं योजनाएं डिलीवर करने में या फिर जो है वो आम लोगों को समझने के अंदर, वोटर का मूड भांपने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा था बार बार राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि जो चिरंजीवी की योजना है वो पूरे देश के अंदर केवल राजस्थान के अंदर है, इतनी बड़ी मेडिकल गारंटी दी गई है जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी गारंटी थी। इसके अलावा आपने जो है पशु बीमा योजना दी लंपी के अंदर, या फिर आप जो है दुर्घटना बीमा आपने दिया, या इसके अलावा तमाम योजनाएं आपने दी थी, ये संवादहीनता की स्थिति बनी, आप अपनी योजनाओं को जनता के बीच में पूरी तरीके से ले जा नहीं पाए, कम्युनिकेशन की कमी रही, कमी कहां रह गई? आसिफ जी, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में ये पूरी लड़ाई हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लड़ी। उन्होंने बहुत लोकप्रिय योजनाएं दी, कार्यक्रम दिए, और लोगों तक पहुंचाने में मेरा ये अनुमान है जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार कि हमारे मंत्री और विधायकों ने शायद, मुझे लगता है कि उनकी योजनाओं को ही प्रभावी रखकर उनको मान लिया कि वो चुनाव जीत रहे हैं। मैं समझता हूं इस संदेश को ले जाने में हमसे कहीं चूक हुई है, चाहे वो मंत्री स्तर पर हुई हो, चाहे विधायकों के स्तर पर हुई हो, हम प्रदेश की लोक लुभावी योजनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। और इधर दिया कुमारी, विद्याधर नगर सीट से जीतने के बाद अपना जीत का प्रमाण पत्र मुख्य ये कहें कि जिला निर्वाचन अधिकारी से ग्रहण करते, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर, चेहरे पर खुशी है और संतोष का भाव भी हेमंत कि हाँ, अगर मेरे से सवाल किए गए कि सांसद रहते हो राजसमंद से आप यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, तो फिर
क्या आपको जनता सलाखों पर बैठाएगी? जनता ने सलाखों पर बैठाया और उसी का संतोष भी देखने को मिला है। बिल्कुल भाई, हुआ और उसी की बदौलत है कि उनके चेहरे पर खुशी है और वे आश्वस्त थी शुरुआत से ही, जब से उनके नाम का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही लगातार आश्वस्त थी कि आखिरकार उनकी जीत होगी। और आखिर ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये जयपुर के विद्याधर नगर की तस्वीरें हैं जहाँ पर दिया कुमारी ने जीत हासिल की है। एक बार फिर राजस्थान विधानसभा के बाहर न्यूज 18 राजस्थान का ये भव्य सेटअप लगा हुआ है, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का जो है वो लंबा मामला चलता रहा, इसमें जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं छूट गए। उसके बाद में जो है विपक्ष लगातार ये भी कहता रहा कि आपने एमएलए को इतनी खुली छूट दी कि लोगों के जो वोटर्स नहीं थे उस एमएलए के उस क्षेत्र के उनके काम ही नहीं हो पाए। ये नाराजगी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर आपके सामने आई है? नहीं, मुझे नहीं लगता, उसका कारण ये था कि इस बार नतीजों में नहीं दिखे। अभी मेरे को बाकी की पोजीशन मालूम नहीं है, अभी मैं मेरे यहाँ ही था और मुझे ऐसा भरोसा है कि शायद परिणाम आते तक हम फिर से सरकार बना पाएं। मैं अभी जाकर के चेक करूंगा क्या स्थितियां हैं, कौन कौन जीते हैं, कौन कौन हारे हैं। इतना ज़रूर पता लगा कि एक हमारी सीट हम बहुत छोटे से मार्जिन से हार गए हैं। रिकाउंटिंग हो रही है, हवा महल पे 600 के करीब मतों से आप हार गए। हाँ, अभी नहीं कहा जा सकता, 600 मतों का डिफरेंस है और पोस्टल बैलेट की बात भी है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा सकारात्मक नतीजा आनी चाहिए। राजस्थान में करीब मतलब 116 117 के करीब करीब बीजेपी पहुंच रही है और अभी लो 70 तरह से देखा जाए कांग्रेस आ गई है, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन चिंतन तो किया ही जाएगा पूरे प्रदेश के। एक बार रिजल्ट आ जाए सारे, बिल्कुल आत्ममंथन चिंतन होगा, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि जब तक चुनाव परिणाम आएंगे हो सकता है स्थितियाँ बदले और हम फिर से सरकार बना पाए। जी बिल्कुल, अभी भी उम्मीद है आपको, मतलब पूरा विश्वास है? बिल्कुल, मैं उम्मीद के साथ इस सुबह से यहाँ डटा हुआ हूँ मैदान में और यहाँ से निकलूंगा तो बाकी चीजें पता लगेगी। जी बिल्कुल, तो ये हैं रफीक खान जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से करीब 15,000 मतों से जीत चुके हैं और एक दौर था जब इन्होंने अपनी लीड करीब 49,000 से ज्यादा मतों तक बना ली थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत क्लोज मुकाबला आ गया था। रवि नैयर लगातार यहाँ पर बने हुए थे, खुद रफीक खान यहाँ पर डटे हुए थे और जो सिचुएशन थी उसमें ये रहा। सांगानेर का बड़ा अपडेट लेकर के महेश यहाँ पर पहुंचे। महेश, क्या रहा सांगानेर में? देखिए, सांगानेर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज है उनको हार का सामना करना पड़ा है। भजन लाल शर्मा ने एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर हासिल कर रही है, क्योंकि अब जो उनका अंतर है वो 40-44 हज़ार के ऊपर पहुँच गया है। अब केवल 2-3 राउंड की जो गणना है वो शेष बची है, तो ऐसे में और इसी तरह से जी दिव्या मदेना के लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए, चंद्रशेखर से जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर, क्या स्थिति है दिव्या मदेना के जो ओसिया विधानसभा की बात करें? देखिए, बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन बात करें तो फिलहाल जो है दिव्या मदेना करीब 212 वोटों से आगे चल रही है और नहीं, लेकिन थोड़ा और अपडेट हुआ है उसमें, कुछ और अपडेट हुआ है, दिव्या मदेना पीछे हुई है। जानकारी जुटाइए, आपके पास लौटेंगे। तो विधानसभा वार सीटों के हिसाब से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें 107 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 80 सीटों पर कांग्रेस और 3 अन्य। सीधा आप रुक करेंगे, हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही है रिजल्ट आपसे। आयुषी, क्या अपडेट आपके पास, आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं? राजस्थान की बात कर ले तो देखिए 190 सीटों के रुझान सामने आए, बीजेपी 107 पर आगे है, कांग्रेस 80 पर और अन्य के खाते में 3। और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर होती हुई यहाँ पर दिख रही है। लगातार देखिए जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी अब बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। उस शुरुआती रुझान भी जो सामने आए थे उसमें बीजेपी बढ़त दिख रही है और अभी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देखिए पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी अब पार करती हुई नजर आ रही है। जो कहा जा रहा था कि बागी और निर्दलीय यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को एक फायदा होता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि पूर्ण बहुमत यहां पर मिलेगा। इस वजह से अगर लगातार हम आंकड़ों की बात करें और अभी भी आपको बता दें लीड कौन कहां से लेता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको अपडेट दे दे। देखिए अगर हम बात कर ले सीकर से तो यहां से सुभाष महरिया बीजेपी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर की बात करें सांचौर से यहां पर तो सुखराम विश्रोई कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलवर की अगर हम बात कर ले तो देखिए टीकाराम जूली यहां से कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए 190 सीटों पर रुझान सामने आया, बीजेपी 107 सीटों पर बढ़त बनाती हुई। कांग्रेस में हमारे दर्शक आज दिन भर जो अपडेट जाना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों का स्वागत, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार हमसे जुड़े हुए दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। और नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी रविंद्र सिंह। आज 199 सीटों के नतीजे आने, सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तड़के सुबह से ही टेंपल रन भी शुरू हो चुका है और वैसा इसलिए क्योंकि 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला लिया इन रुझानों में।
आगे चल रही है या पीछे चल रही है? जी दिव्या, दिव्या मदेना के लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए, चंद्रशेखर से जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर क्या स्थिति है दिव्या मदेना के, जो ओसिया विधानसभा की बात करें? देखिए बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन बात करें तो फिलहाल जो है दिव्या मदेना करीब 212 वोटों से आगे चल रही है। और नहीं, लेकिन थोड़ा और अपडेट हुआ है उसमें, कुछ और अपडेट हुआ है, दिव्या मदेना पीछे हुई है। जानकारी जुटाइए, आपके पास लौटेंगे। तो विधानसभा वार सीटों के हिसाब से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें 107 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 80 सीटों पर कांग्रेस और 3 अन्य। सीधा आप रुख करेंगे, हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही है रिजल्ट आपसे। आयुषी क्या अपडेट है आपके पास, आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं? राजस्थान की बात कर ले तो देखिए 190 सीटों के रुझान सामने आए, बीजेपी 107 पर आ गया है, कांग्रेस 80 पर और अन्य के खाते में 3। और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर होती हुई यहाँ पर दिख रही है। लगातार देखिए जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी अब बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान भी जो सामने आए थे उसमें बीजेपी बढ़त दिख रही है और अभी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देखिए पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी अब पार करती हुई नजर आ रही है। जो कहा जा रहा था कि बागी और निर्दलीय यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को एक फायदा होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि पूर्ण बहुमत यहां पर मिलेगा। इस वजह से अगर लगातार हम आंकड़ों की बात करें और अभी भी आपको बता दें लीड कौन कहां से लेता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको अपडेट दे दे। देखिए अगर हम बात कर ले सीकर से तो यहां से सुभाष महरिया बीजेपी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर की बात करें सांचौर से यहां पर तो सुखराम बिश्नोई कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलवर की अगर हम बात कर ले तो देखिए टीकाराम जूली यहां से कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए 190 सीटों पर रुझान सामने आया है, बीजेपी 107 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस 80 सीटों पर और अन्य के खाते में 3। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त जो टैली है, जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको सामने रख देते हैं। 107 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 80 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अदर्स यानी 3 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट भी गिन लिए गए हैं। बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील होते हुए जो आंकड़े सामने आएंगे वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। 190 सीटें झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेना पीछे चल रही है। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेना पीछे चल रही हैं। दिव्या मदेना को लेकर ओसिया की सीट को लेकर कहा भी जा रहा था कि बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन चूंकि ये शुरुआती रुझान है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, कालीचरण सराफ यहां पर इस वक्त मौजूद है, महेश का सीधा रुख करते हैं। महेश इस समय में कालीचरण सराफ जी मौजूद है, मालवीय नगर विधानसभा की मैं बात कर लूं। सर पहला राउंड लगभग हो गया है, पहला राउंड में 1389 वोटों से मैं लीड कर रहा हूं। अब आगे के राउंड में क्या उम्मीद है? 50,000 से ऊपर, क्योंकि टोटल 18 राउंड होंगे, 20 राउंड होंगे, तो पहले राउंड में 1389 वोटों से आगे हूँ, इसका मतलब 50,000 को क्रॉस करेंगे। अर्जुन जी पिछली बार अगर पिछले चुनाव को देखें काफी कम जो है मार्जिन था, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ थी, इस बार कांग्रेस के साथ है। और पूरे प्रदेश भर की जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी 135 सीट से ऊपर जीतेंगे। किस तरह से आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से पूरा बहुमत के साथ में आने पूरी पूरा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? और पूरा बहुमत प्रचंड बहुमत गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी किया गया था, लेकिन शुरुआत जो रुझान मिल रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से वो पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये, 218 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो चयनिका जी ये बताइए कि बहुत जल्दी है, मैं समझ रहा हूं अभी बेवकूफी होगा ये कहना कि इतने जल्दी हम नहीं कह सकते जीत हार, लेकिन ये आगाज गोविंद सिंह डोटासरा जी का 218 वोटों से पिछड़ते हुए हुआ है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सीटों के बीच बोलिए मैम, आप बोलिए दो, महत्वपूर्ण ये है कि वोटों के बीच में अंतर कितना है। जब अंतर कम होता है और पहले राउंड की वोटिंग हो रही है तो आप कई बार ये होता है कि किसी एक ईवीएम में किसी एक के फेवर का बूथ हो। दिव्या मदेना भी पीछे है। हाँ, नहीं लेकिन वो भी अंतर कुछ 100, 100 कुछ 20 वोट ऐसे वोट है, तो ये वोट तो आगे की काउंटिंग के अंदर कभी भी अलग पलट सकते हैं। एक तो 83 सीटें कांग्रेस के पास, 105 बीजेपी के पास, इसको भी कवर कर लेंगी और बढ़त भी बना लेगी कांग्रेस। देखिए अभी आने तो दीजिए ना, कांग्रेस बढ़त बनाएगी। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, अभी तो 9 ही तो बजे हैं, आधा घंटा वो पहला राउंड पूरा हुआ है और आप अभी रिजल्ट निकाल देना चाह रहे हैं। लगातार चर्चा हो रही है, मैं आपसे समझना यही चाहूंगा कि क्या लंबी कतारें जो आधी आबादी की वोट देने के दौरान दिखाई दी तो बीजेपी के पक्ष में गई है?
देखिए उससे पहले मैं वो बताना चाहूंगी कि डोटासरा जी पहले कहते थे पूर्ण बहुमत, बाद में 90 सीटों पर आ गए थे और अब रिजल्ट बता देंगे कि वो 90 पे भी नहीं रहने वाले हैं। और महिलाओं की लंबी कतार, महिला तो पूरी तौर से नकार चुकी थी इस कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि 56% मामले फेक दर्ज होते हैं, महिला के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला स्टेटमेंट था। इनके मंत्री मर्दों का प्रदेश बताते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है लेकिन वीर इसमें तब्दीली भी आती जाएगी। दिव्या मदेरणा आगे हो चुकी हैं, दिव्या मदेरणा जी यहाँ पहले पिछड़ रही थी अब आगे हो चुकी है। दिव्या मदेरणा 218 वोट से, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उदयपुर शहर से बीजेपी के तारा चंद जैन आगे चल रहे हैं, गोविंद वल्लभ पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर शिखा मील बराला आगे चल रही हैं, लेकिन जैसा हमने बताया दिव्या मदेरणा को लेकर ओसिया विधानसभा सीट से अब वो आगे हो चुकी हैं चौमू से। फिलहाल ये डॉक्टर शिखा मील बराला की आपको स्टेटस पता चल रहा है, रुझानों में वो आगे चल रही है जी। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है निरंजन पोद्दार जी, अब देखिए टैली कुछ बदला है, अभी तक लगातार जो है रुझानों में बीजेपी आगे हो रही थी, अब सीटें कम होनी शुरू हुई हैं, 105 पे बीजेपी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, 83 पर कांग्रेस आ गई है और 3 अदर्स वो आगे चल रहे हैं। देखिए आस्था जी, मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी रुझान चल रहा है, ये रुझान बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो हमारे अनुमान थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी 105 और ये कांग्रेस 83 पे दिखा रही है, तो निश्चित रूप से आप ये देखिए, मेरे हिसाब से जो हमारा अनुमान था वो 115 सीट प्लस माइनस 5% का था, और इसके अंदर अभी 10-5 सीट ऊपर 5-7 सीट ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है, तो उसके बारे में तो अभी कुछ भी बोले जल्दबाजी, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि राजस्थान की जो जनता है वो आप मान के चले, जिस तरीके से उनको 4 साल उनके साथ एक तरीके आप ये मानो कि उनके साथ मजाक हुआ, मखोल हुआ, और लास्ट के 1 साल में उनको घोषणाएं करके और उनका मुंह चुप कराने की कोशिश की या उनको खरीदने की कोशिश की। मेरे हिसाब से ये भी तो आप मान रहे होंगे अभी शुरुआती रुझानों को देखकर कि टक्कर जो है जबरदस्त देखने को मिल रही है, एक तरफा नहीं जा रहा है मुकाबला। रविंद्र जी, अगर मेरा निजी मत पूछेंगे तो मेरा यह मानना है कि अगर ये जो रुझान है इनके अंदर पोस्टल बैलेट का बहुत बड़ा योगदान है अभी तक, और पोस्टल बैलेट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के मुद्दे को इतना हाइप करने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट के अंदर अगर इतना अच्छा निकल करके जा रही है, तो मैं तो बहुत ज्यादा आसान भी तू, बल्कि मैं तो अब 125 से भी ज्यादा आसान भी तू। ठीक है, अलका गुर्जर जी, 105 बीजेपी, 83 कांग्रेस, लगातार कांग्रेस बढ़त की ओर है, मतलब सीटें जो है वो बढ़ रही है, पहले जो मार्जिन बहुत ज्यादा दिख रहा था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, 100 की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है। देखिए 100 से बहुत पीछे है और हम 100 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कम भी हुआ है, आप 107 तक पहुंचे, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट अंत में जाकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बारे में हम पूरी तौर पर आशान्वित हैं, पूरी तौर पर हम ये बात मान रहे हैं, क्योंकि जनता का जो हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो रहा है वो आप बता रहे हैं कहां क्या हो रहा है, बट वोटों की गिनती ये बता रही है कि बीजेपी आ रही है। नहीं मैम, बुकिंग तो राजनीतिक दल ही कर रहे होंगे ना। हाँ कर रहे होंगे, कौन से दल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 113 का वो आंकड़ा जिस पर हम जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमें हेलीकॉप्टर और रिसॉर्ट्स की पॉलिटिक्स की जरूरत है। मदेरणा का स्टेटस क्या है, खाता दिखाई दे रहा है जिसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल है और निर्दलीय जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो भी इसमें शामिल है। दिव्या मदेरणा के लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से, चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए, चंद्रशेखर से जानना चाहेंगे, चंद्रशेखर क्या स्थिति है दिव्या मदेरणा की। देखिए बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन बात करें तो फिलहाल जो है दिव्या मदेरणा जो कि 212 राजस्थान का सिंबल है, लेकिन थोड़ा और अपडेट हुआ है, कुछ और अपडेट हुआ है, बार बार बोलने की जानकारी जुटाइए, आप करवट बैठता है, तो अभी फिलहाल ऊंट की जो चाल है वो बीजेपी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और तमाम जो एग्जिट पोल हमने दिखाए थे उसमें भी, यानी कि जन की बात की भी, एग्जिट पोल की जो समीकरण है अभी तक जो रुझान आ रहे हैं जो परिणाम में तब्दील हो चुके हैं उसमें जन की बात रेगिस्तान पर धीरे धीरे चल रहा है, और उन ऊंटों की अगर बात करें कल तक जो एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी का ऊंट आगे था, कहीं कांग्रेस का ऊंट आगे था, लेकिन अब जब रुझान नतीजे आ रहे हैं रविंद्र और सीधे हम एक बार फिर से जो ताजा आंकड़े हैं जो कहा जा रहा था कि बागी और निर्दलीय
यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलेगा। इस वजह से अगर लगातार हम आप की बात करें, सीधे तौर पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन कहाँ से लेता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर अपडेट दे दे। और देखिए, अगर हम बात करें, आपको बता दें तो यहाँ से सुभाष घारिया 71,300 हुए नजर आ रहे हैं, जालौर को जीती है, ये बड़ा आंकड़ा है। तो सुभाष बड़े आंकड़े के साथ ही उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ से हम बता रहे हैं, अलवर की अगर हम बात करें, सचिन पायलट की जीत लगभग तय मानी जा रही है, अभी अधिकारी नजर आ रहे हैं, इसकी बात ही है जोन से भी लगभग रुझान सामने आ रहा है कि सचिन पायलट जीत रहे हैं, बनाती हुई कांग्रेस सीटों पर और गोविंद सिंह जीते हैं और हनुमानगढ़ विधानसभा से निर्दलीय गणेश राय बंसल विजय यहाँ पर नजर आ रही है, महुआ से भी सिटिंग विधायक ओम प्रकाश यहाँ पर हारे हुए नजर आ रही है, लासूर से परसादी लाल मीणा और सीकराय से ममता भूपेश दोनों ही कद्दावर नेता कांग्रेस के यहाँ पर हारते हुए नजर आ रही है। ये दौसा की दो बड़ी सीटें हैं और दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ पर हार दर्ज करवा नजर आ रही है। कुछ बड़ी अपडेट में हम आपको दे देती हूँ, क्या बड़ा अपडेट है, दिव्या मदेना पीछे चल रही है, जोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेना पीछे चल रही है। दिव्या मदेना को लेकर ओसिया की सीट को लेकर कहा भी जा रहा था कि बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन चूंकि ये शुरुआती रुझान है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जोटवाड़ा से बीजेपी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कालीचरण सराफ यहाँ पर मौजूद है, महेश काशी यहाँ रुकते हैं। महेश, क्योंकि मतगणना के अंतिम आंकड़े जो है हेमंत वो अब जारी किए जा रहे हैं, साथ ही झालावाड़ डक सीट से अगर मैं बात करूं तो भाजपा के कालूराम मेघवाल की जीत यहां पर तय मानी जा रही है, 22वें राउंड के बाद भी वो आगे बढ़े हैं। आगे के राउंड में क्या उम्मीद है, 50,000 से ऊपर, लेकिन राकेश क्योंकि टोटल 18 राउंड होंगे, 19 वो आपके अकॉर्डिंग 20 राउंड होंगे, तो पहले राउंड में 1389 वोटों से आगे हूँ, इसका मतलब 50,000 को क्रॉस करेंगे। पिछली बार पिछले चुनाव में काफी कम मार्जिन था, पिछली बार इनकंबेंसी हमारे साथ थी, इस बार कांग्रेस के साथ, पूरे प्रदेश भर के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड है, 135 सीट से ऊपर की निशान से उन्होंने काफी वोट जीते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि जो बीजेपी है पूरा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरा बहुमत गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी किया गया था, लेकिन शुरुआत जो रुझान मिल रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से वो पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये, 218 मतों से दो मंत्रियों के चयनिका जी हारने की खबर भी बहुत जल्दी है। मैं समझ रहा हूँ बेवकूफी होगा ये कहना कि इतने जल्दी जीत हार आए, लेकिन आगाज गोविंद डोटासरा भूपेश हार गई है। तरफ अगर बात करें लालसोट से शादी लाल मीणा महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सीटों के बीच निभाई और वो भी यहाँ पर हारते दिखाई बोलिए दो महत्वपूर्ण ये है कि वोटों के बीच में अंतर कितना है, जब अंतर कम होता है और पहले राउंड की वोटिंग हो रही है तो आप कई बार ये होता है कि किसी एक ईवीएम में किसी एक के फेवर का बूथ हो, लेकिन वो भी अंतर कुछ 100 कुछ 20 वोट ऐसे वोट है, तो ये वोट तो आगे की काउंटिंग के अंदर कभी भी अलग पलट सकते हैं। एक तो 83 सीटें कांग्रेस के पास, 105 बीजेपी के पास, इसको भी कवर कर लेंगी और बढ़त भी बना लेंगी। देखिए अभी आने तो दीजिए ना, कांग्रेस बढ़त बनाएगी, अभी तो 9 बजे हैं, आधा घंटा पहला राउंड पूरा हुआ है और आप अभी रिजल्ट निकालना चाहते हैं। लगातार चर्चा हो रही है, मैं आपसे समझना यही चाहूंगा कि क्या लंबी कतारें जो आज मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, बाकी आप सवाल और बातचीत तो करेंगे ही, यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में गई है, रुझान और नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं, थोड़ा बताइए कि बीजेपी कहाँ बाद में 90 सीटों पर ज्यादा दर्ज करती है और अब रिजल्ट बता देंगे कि वो 90 में भी नहीं रहने वाले हैं। और जातिगत और महिलाओं की लंबी कतार, महिला तो पूरी तौर से नकार चुकी थी कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि 56% मामले फेक दर्ज होते हैं, महिला के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला स्टेटमेंट था, जैसे कई दिग्गज इनके मंत्री मर्दों का प्रदेश बताते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है, लेकिन देखिए जैसा अभी रक्षा जी जा रही है लगातार, अब इसमें तब दोनों ही पार्टी दिव्या मदेना आगे हो चुकी हैं, दिव्या मदेना स्टूडियो से सवाल ये था छड़ रही थी, क्या आगे हो चुकी है दिव्या मदेना 218 वोट से, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उदयपुर शहर से बीजेपी के ताराचंद जैन आगे चल रहे हैं, गोविंद वल्लभ पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर शिखा मीर बराला आगे चल रही हैं, लेकिन जैसा हमने बताया दिव्या मदेना को लेकर ओसिया विधानसभा सीट से अब वो आगे हो चुकी हैं 14 से, फिलहाल ये डॉक्टर शिखा मीर बराला की आपको स्टेटस पता चल रहा है, रुझानों में वो आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है निरंजन पोदार जी, आप देखिए टैली कुछ बदला है, अभी तक लगातार जो है रुझानों में बीजेपी आगे हो रही थी, अब सीटें कम होनी शुरू हुई है, 105 पे बीजेपी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, कांग्रेस आ गई है और 3 अदर्स
आगे चल रहे हैं। कुछ नए वोटर इस बार एक बड़ा चंक था जो नए वोटर्स का चल रहा है, रुझान बिल्कुल वैसे ही चल रहा जो हमारे अनुमान नई तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी 105 हो रही है, कांग्रेस 83 पे दिखा रही है। तो निश्चित रूप से आप ये देखिए, मेरे हिसाब से जो हमारा अनुमान था वो 115 सीट प्लस माइनस 5% का था, और इसके अंदर अभी 10-5 सीट ऊपर 5-7 सीट ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है। तो उसके बारे में तो अभी कुछ भी बोले जल्दबाजी, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि राजस्थान की जो जनता है वो आप ये मान के चलिए जिस तरीके से उनको 4 साल उनके साथ एक तरीके आप ये मानो कि उनके साथ मजाक हुआ, मकोल हुआ, और लास्ट के एक साल में उनको घोषणाएं करके और उनका मुंह चुप कराने की कोशिश की या उनको खरीदने की कोशिश की। मेरे हिसाब से ये भी तो आप मान रहे होंगे अभी शुरुआती रुझानों को देखकर कि होता क्या है कि पहले जबरदस्त भाषा बोलते थे, एक तरफा नहीं जा रहा है। रविंद्र जी, अगर मेरा निजी मत पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये जो रुझान है इनके अंदर पोस्टल बैलेट का बहुत बड़ा योगदान है, और पोस्टल बैलेट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के मुद्दे को इतना हाइप करने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट के अंदर अगर इतना अच्छा निकल करके जा रही है तो मैं तो बहुत ज्यादा जीत गई है। सबसे बड़ी खबर है जोराराम कुमावत यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं बीजेपी की तरफ से। 83 कांग्रेस लगातार कांग्रेस बढ़त की ओर लगातार, मतलब सीटें जो है वो बढ़ रही है, पहले जो मार्जिन बहुत ज्यादा दिख रहा था बढ़ता जा रहा है, अब वो धीरे धीरे कम संकेत है राजस्थान की तरफ। कांग्रेस भी बढ़ रही है, राजस्थान ने जो पिछले 500 से बहुत पीछे है और हम 100 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कम भी हुआ है, आप 107 तक पहुंचे। अब ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट अंत में जाकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बारे में हम पूरी तौर पर आशान्वित हैं, पूरी तौर पर हम ये बात मान रहे हैं, क्योंकि जनता का जो हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो रहा है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है, तुष्टिकरण या संतुष्टिकरण? वो आप बता रहे हैं कहां क्या हो रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति, वोटों की गिनती ये बता रही है कि बीजेपी आ रही है। नहीं, मैं बुकिंग तो राजनीतिक दल ही कर रहे होंगे ना, से लेकर हम सबका साथ, सबका विकास, कौन से दल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी की सरकार, हम जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमें हेलीकॉप्टर और रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है डॉक्टर, जो खबर हमारे पास है कांग्रेस के नींद उड़ी हुई है, अशोक गहलोत लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अचानक गोवर्धन वर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ले ली जाती है बड़ी अपडेट, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी आगे बढ़ोतरी बना रहे हैं। श्रीगंगानगर से बीजेपी के जयदीप बिहारी जीते हैं, अधिकारी हमारे जब NSY यूथ कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे तब से जानती हूँ, और उनका संपर्क में रहना और लोगों को उत्साहित करते रहना उनका नेचर है, और ये अच्छी बात है कि जो हमारे इस समय सारे कैंपेन का चेहरा थे और जिनके जिनके मुख्यमंत्री काल में इतने अच्छा काम हुआ, वो अगर अपने लोगों से बात नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए, उन्हीं को बात करनी चाहिए ना, बीजेपी के नेता तो फोन लगाएंगे तो वो गड़बड़ है। ठीक है, ये लगातार टैली तो दिखाई दे रही है दर्शकों को, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बार ग्राफ के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अभी 104 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए, और कांग्रेस की बात करें तो 86 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए रुझानों में, अन्य के खाते में अभी रुझानों में 5 ही सीट दिखाई दे रही है, 104 बीजेपी, कांग्रेस 86 और अन्य 5 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बांसी है ये चयनिका जी आपकी, किस तरीके से अब इसमें और ज्यादा फेरबदल होगा और कांग्रेस बढ़त बनाएगी, अपने रिवाज पे कायम रही है या बीजेपी जिस तरह से बोली और कांग्रेस जिस तरह से यही है काम कर रही है, अभी भी टक्कर में है, अभी तक बीजेपी की भी सरकारें रही लेकिन कभी कोई टक्कर में नहीं रहा, हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं हो रहा। अगर प्रतापगढ़ जो वो इलाका जहां पर ट्राइबल पार्टीज खड़ी हुई हैं तो उनको लामबंद करने की, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं और बीएपी के नहीं, इन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया या और कई जगह पे किया, मतलब हेलीकॉप्टर की जरूरत भाजपा को कहां पड़ती है, तो लोगों पहली बार इनको महाराष्ट्र में पड़ी थी जब ये लेकर के गए थे, नहीं शिवसेना को लेकर आ गए भाई, जहां लेकर गए वहां भी भाजपा की बड़ी जानकारी बीकानेर पश्चिम से, और आपको बता दें कि बीबी कला को जेठानंद व्यास ने शिकस्त दी है, मंत्री कांग्रेस सरकार के बीबी कला हार गए हैं, जेठानंद व्यास ने जीत दर्ज की, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जेठानंद व्यास ने एक बार और पहले भी हराया था बीबी कला को और ये दूसरी बार उन्होंने हराया। अगर हम बात हवा महल सीट की कर ले, यहां से जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता दें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर चली है और हमारी सहयोगी अपडेट कर रही है, बालमुकुंद आचार्य यहां पर देखिए बीजेपी की तरफ से पीछे होते हुए
हुए और आरआर तिवारी यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए अब जोरदार टक्कर देखने को मिली है बीजेपी और कांग्रेस में, और जो अभी करंट अपडेट है वो आपको बता दें 195 सीटों का रुझान सामने आ गया है। बीजेपी 104 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 86 पर, और अन्य की बात कर ले तो 5। और यहाँ से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे टैली आपको दिखा रहे हैं। कोटा से अगर बात कर ले तो देखिए संदीप शर्मा बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। शाहपुरा से मनीष यादव कांग्रेस की तरफ से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा की बात कर ले तो देखिए शांति धारीवाल कांग्रेस की तरफ से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर देखिए अब जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ही समय का इंतजार है जब यहाँ पर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और लगातार हम नजर बनाए आएंगे और आगे भी आएंगे अपडेट के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ यह पैनल है निरंजन पोद्दार जी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पीछे भी है जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास वो तमाम बहुत वाले देखने को मिल रही थी। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कमान संभालते हुए नजर आते, अशोक गहलोत जनसंपर्क करते हुए नजर आते, अभी रुझान क्या करें कि वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। राकेश गोयल जी से मैं सवाल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। राकेश गोयल जी कहा यही जा रहा था मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार कि कोई एंटी इनकमबेंसी नहीं है, जनता सरकार को एक बार फिर से रिपीट करने कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एक आध घंटे में जो है हार रहे हो एक अच्छी खासी संख्या में, अभी नतीजे आने बाकी है तो क्या इसको सर इतनी बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही है, अलग अलग राज्यों के यहाँ पर अपडेट दिए जा रहे हैं। ये टीम कैसे काम कर रही है क्योंकि आपके समक्ष देखिए इतने सारे लोग हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। कितने देर का और हमें इंतजार करना होगा जब तक गलत रहा हो या उन्होंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए आकलन दे दिया होगा। पर जाहिर सी बात है कि ये 171 काउंटिंग तो रही है प्लस वोटर लेकिन ये आंकड़ा उसके और वहां से डायरेक्टली ये जुड़े हुए हैं। अलका जी 5 साल के अंदर इतनी एंटी इनकंबेंसी क्यों हो जाती है कि वहां से जो नतीजा दावा किया जाता है कि प्रदेश स्तर से बढ़कर राष्ट्र स्तर पर होनी चाहिए, तो बस अभी तरफ से भी लगातार 2-3 घंटे में पिक्चर आह्वान करते हुए सामने आएगी। 2013-18 में जब बीजेपी की सरकार का कार्यकाल था तब भी बहुत सारी थैंक यू सो मच सर। तो देखिए लगातार हमारी इतनी बड़ी टीम है और पल पल की अपडेट आपको दे रही है और राजस्थान की अपडेट के लिए हमारे साथ ये बड़ी टीम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अभी जो करंट अपडेट है वो हम आपको बता दें 196 सीटों पर रुझान सामने आया है। बीजेपी 103 सीटों पर और कांग्रेस 86 और अन्य के खाते में 7। उदयपुर शहर में देखिए कांग्रेस के गौरव पल्लव पीछे है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ओवर टू यू रविंद्र। बिल्कुल साफ तौर पर लेकिन पश्चिम से दूसरी तरफ अगर बात की वहां पर पीछे चल रहे हैं और इसके अलावा हवा महल की बात करें तो आरा तिवारी इस सीट से आगे चल रहे हैं। मैं रुक निरंजन पोद्दार जी का करूंगा। निरंजन जी ये उम्मीद करें क्या अब इन फिनिश का मुकाबला देखने को मिलेगा? इस बार कांग्रेस रिपीट करने की बात कर रही थी, बोले थे गारंटी के ही बल पे तो कांग्रेस रिपीट करेगी। कौन सी योजनाएं थी आप अनुमान? महंगाई राहत कैंप लगाया जो पहले से रजिस्टर्ड है। अब तो स्थिति ये है कि अब राजस्थान के अंदर कहानी ये चलेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उसके अंदर मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी काफी मेहनत और कसरत करनी पड़ेगी। इस बार जिस तरीके से वसुंधरा जी को इन्होंने पीछे किया था और सेंटर के चेहरे के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर मेरा ये मानना है 105 से 110 सीटें होती हैं तो अगला मुख्यमंत्री शायद राजस्थान का वसुंधरा राजे सिंधिया ही नजर आ रहे हैं मुझे। एडिटर न्यूज 18 राजस्थान अमित भट्ट इस वक्त मेरे साथ राजस्थान विधानसभा से जुड़ रहे हैं। अमित जी ये बताइए कि जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, खबर ये भी मिल रही है कि प्रतापगढ़ में हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन ली जा रही है, क्योंकि साथ ही साथ अगर रुझान और नतीजे आएंगे तो दूसरी तरफ से राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो रही है। कारनामे थे उसी का परिणाम है ये जो रिजल्ट आ रहा है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा असर जो है अब वो महिला? बिल्कुल हम बात भी कराएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिलाफ में घेरा भी आंदोलन क्या कह रहे हैं रुझान? सबसे ज्यादा क्या महिलाओं का फैक्टर है जो आज हम काम करता हुआ नजर आया जयपुर में है और महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है वो बिल्कुल ओवरकास्ट है, बादल छाए हुए हैं, हवा में ठंडक है। लेकिन जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को आधी आबादी अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें जो स्वीकार्यता दी, जो योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई उसका भी प्रभाव है और राजस्थान में जो महिलाएं एक तरह से प्रताड़ित थी कहूंगी क्योंकि कहीं सुरक्षित नहीं थी और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। टिप्पणी जो आता हूँ मारवाड़ लेकिन इसमें भी अगर ये माने कि पोस्टल बैलेट की अगर देखें बात करें तो ये मोस्टली जो है वो चुनाव की ड्यूटी में गए थे जो सरकारी कर्मचारी थे उनके हैं, तो ओपीएस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था और इसमें अगर कांग्रेस पिछड़ती है तो ये माना जा सकता है कि आगे के नतीजे जो है वो इससे
युवाओं के साथ भी जो अन्याय हुआ है उसका भी काफी बड़ा कारण रहा है। महंगी बिजली और जमीन कुर्क करना एक तरफ, आप एक से दस्तक देती और जितनी फ्री की योजनाएं थी इसने राज्य को भी कर्ज के अंदर डालने का काम किया। उसके बाद राज्य को कर्ज के कर्ज के अंदर डाल दिया। निश्चित तौर पर गारंटियों का डिजाइन बॉक्स में रख कर पेश किया गया, ये जनता के टैक्स। बिल्कुल, तो तस्वीरें कुछ ही समय में साफ भी होंगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कुछ और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, परिचय करा देते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। कंपनियां थी योगेंद्र जी, कहाँ है आम आदमी पार्टी, किसने जीते ला रहे हैं? मुझे लगता है कि 55 ने कहा है कि प्रारंभिक रुझान है, इंतजार कीजिए। योगेंद्र जी का कहना है कि आम आदमी को आम आदमी का सपोर्ट जरूर मिलेगा। क्या लग रहा है मोहन जी? और एक सवाल आपसे पूछना भी था कि दूल्हा कौन है? पार्टी सच सच कर तैयार है, बारात निकलने वाली है, दूल्हे का पता ही नहीं। प्रियंका जी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी में नेताओं की कमी जारी रखी है। लेकिन अशोक गहलोत जी, बहुत इंतजाम किया गया है जयपुर में बड़ी स्क्रीन लगाकर इन रुझानों और नतीजों को देखने का। हमारा चैनल यानी न्यूज 18 राजस्थान को बीजेपी ऑफिस में रुझानों के साथ राजस्थान की शानदार है और बड़ी संख्या में अभी तो नहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ता है, लेकिन जिनका मंत्र था ये पक्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक बार फिर से प्रियंका उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। रविंद्र, लगातार हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, रुझान भी लगातार दिखा रहे हैं। महासंग्राम 2023 को लेकर अमित शाह जी नतीजे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर शैलेंद्र जी, माननीय अध्यक्ष, बीजेपी पार्टी जीत का जश्न भी मनाने लग गई। नड्डा जी, अभी बीजेपी कार्यालय से भी तस्वीरें दिखाई, कार्यालय सज धज कर तैयार। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जनता ने जिनके अथक प्रयास परिश्रम जिस तरह से की जीत है, प्रतिशत बढ़ा है, जो बताता है दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो गहलोत सरकार रही के जो सपने को साकार करने की महिला पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। बातें जो है और सबसे बड़ी बात जैसे मुख्यमंत्री है की ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस की कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सुराज को अपनाने का काम किया। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से चुनाव सामूहिक देशवासियों की सेवा का अवसर देने की, पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। क्या हमारे लिए मुख्यमंत्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? आपने देखा होगा सवाल नहीं, ही हमारा पहचान है, शान है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कमल के फूल पे लड़े थे, माननीय वसुंधरा जी भी या जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं सब कमल के फूल पे लड़ते हैं। तो आने वाले समय को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर जीत का जो श्रेय है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश की जनता, प्रदेश के संगठन को, लोगों को दिया और मतदाताओं का शुक्रिया भी अदा किया है। और साथ ही साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सीधे हम रुक करेंगे राजधानी जयपुर का, जहाँ पर सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या अपडेट है आपके पास में इस वक्त? एसपी के बिना सरकार नहीं बनने वाली, और आप सवाल कर रहे हो बार बार दोनों पार्टियों से, कह रहे हो कि आपका सीएम का चेहरा कौन है? ये तस्वीरें मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, इनके पांच पांच दस दस मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो चार पांच मुख्यमंत्री तो इनके आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। टोंक से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, जी हां, शुरुआती रुझानों में तमाम बड़े नेता हैं वो यहां पर सचिन पायलट अभिवादन करते हुए जीत का जश्न मनाते हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, लेकिन आयुषी गुप्ता का भी एक बार सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी रिजल्ट हम सपोर्ट देते हैं नजर आ रहे हैं, और अभी से जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं, कार्यालय के तमाम वो बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि पता चल चुका है, अंदेशा लग चुका है, जनता की बात के एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट पोल में साबित हो चुके हैं। ढोल नगाड़े, ये बीजेपी ऑफिस से सीधा तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। बीजेपी जश्न मना रही है, उन्हें पता चल चुका, हालांकि अभी पूरे रुझान नहीं आए, 199 सीटों पे अभी रुझान आ रहे हैं, बाकी परिणाम आने बाकी है। लेकिन अभी जितनी भी जीत, जितनी भी सीटों के परिणाम आए, बीजेपी बहुत बनाते हुए दिखाई पड़ी, और इसीलिए एक आधी आधी
तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी को ये चेहरे, ये तस्वीर बेहद खास है। बीजेपी ऑफिस जयपुर की बालकनी में खड़े होकर फूलों की बरसात, चूंकि अब तक प्रत्याशियों पर जनता ने की थी, कार्यकर्ताओं ने की थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए बीजेपी के राजस्थान की पहली कतार के नेता इस वक्त सभी का अभिवादन कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ही बीजेपी ने रिवाज को कायम रखा है, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। देख लीजिए जरा इन चेहरों को, जहां सीपी जोशी नजर आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई दे रहे हैं, अरुण सिंह भी यहां पर मौजूद हैं और बाकी नेता भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। तो जश्न बड़ा होगा क्योंकि जीत बड़ी है। बिल्कुल बड़ी खबर इस बीच में बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो बता दें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी विधायक से मेहनत की, और आपको याद होगा कि जब चुनाव से पहले की स्थितियां थी उसमें देखिए कांग्रेस के पक्ष की तमाम बातें हो रही थी, जैसे चुनाव का ऐलान हुआ, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, कांटे की टक्कर हुई, और बीजेपी ने ये दिखाया कि बीजेपी कमबैक कैसे करती है, चुनाव में वापसी कैसे करती है, और वो जीत के दिखाती है, वो नतीजे बता रहे हैं, और वो नतीजे स्पष्ट तौर पर इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे पर आ रहे हैं। इसी के साथ ही हेमंत एक और बड़ी खबर का की तरफ रुख करते बता दें कि कांग्रेस के एक और नेता तो पार्टी को खुद को ही मान लीजिए, सचिन जी की, सचिन जी चुनाव हारेंगे नहीं, आप ये देख सकते हैं हार गए हैं। एक बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे, नादवारा सीट पर बीजेपी का कब्जा दिखाई पड़े, यानी कि कौन सीट पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए जीत का परचम लहरा रही है। कुछ वीआईपी और हॉट सीट्स, हॉट मुकाबले जिनको लेकर बिग फाइट कही जा रही थी, विश्वास सिंह मेवाड़ 7636 वोट से सीपी जोशी से चुनाव जीत गए हैं, तो ये सीपी जोशी के चुनाव एक बिल्कुल एक एक मत से पहले हारे थे सीपी जोशी, लेकिन 2013 में, लेकिन इस बार 7000 से ज्यादा मतों से हारे, साफ सही कहा आपने, ये बड़ा उलटफेर है, क्योंकि कल जब लगातार बैठकों का दौर चल रहा था तो सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दोनों की वन टू वन बातचीत हुई थी, कहा यह जा रहा था कि तमाम प्रत्याशियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और संभावित नतीजों के बाद क्या परिस्थिति बनती है, आला कमान से क्या संकेत आता है, उसको लेकर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री मंथन कर रहे थे, लेकिन अब मंथन के बाद ही कोई पहला चुनाव देखें तो राज परिवार के सदस्य हैं, और यहाँ पर पहला चुनाव था, पहली दफा वे यहाँ पर इस सीट से प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए, लीडिंग है इसमें जीत मिली है, और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी अपनी सीट गंवा चुके हैं, और अभी यानी कि वे राजस्थान का, मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट बता दूं, एक एक वोट जो हम बिल्कुल अंदर से निकाल करके आ रहे हैं कि 34 पे बीजेपी बड़ी जीत कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं हेमंत कि ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला था, राज्य को अपने के यहाँ मिलाना है, तो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, और वो मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं पायलट रिजल्ट में बिल्कुल सही साबित हो। और ये लाइव तस्वीरें हैं, थोड़ा हिलती डुलती तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों की खासियत यह है कि इन तस्वीरों में बीजेपी के वो तमाम दिग्गज दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता इस वक्त नाचते झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि बात सीपी जोशी की हो रही है तो अभी हम लगातार मंत्रियों की बात तो कर रहे हैं जो कांग्रेस के सरकार के मंत्री हारे हैं, लेकिन मौजूदा विधानसभा में सीपी जोशी अध्यक्ष हैं। रविंद्र हमारे साथ सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। महिमा क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? देखिए ऑफिशियल आंकड़े में मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो रुझान आए हैं जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनावों में सिविल लाइंस के परिणाम अब कुछ ही देर में डाटा एनालिसिस करने के बाद में जिसको उन्होंने वेरीफाई किया है, 71 सीटों में से आप देखेंगे 25,000 से सबसे पहले आप जो है भाजपा लीड कर रही है, वहीं बड़ा चेहरा प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और मैं ये 34 सीट अगर आपको फटाफट इसमें पढ़ दूं तो कोलायत, साधनपुर, साधन शहर, चूरू, भोर, श्रीमाधोपुर, विराटनगर, रामगढ़, विद्याधर नगर, चाकू, बहरोड, अलवर, अरबन, सिकराय, मारवाड़, जंग शेरगढ़, जोधपुर, पिंडवाड़ा, आबू, रेउदर, झाड़ोल, उदयपुर रूरल, बेगू, निम्बाहेड़ा, सहाड़ा, भीलवाड़ा, जहाजपुर, कोटा, साउथ लाडपुरा, छबड़ा, बीजेपी लीड कर रही है, कितने मार्जिन से जीते हैं। मैं भी आपको बता दूं, देखिए 18 राउंड पूरे हो चुके हैं, 18 राउंड ही होने थे, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 25,000 से गोपाल शर्मा जीत चुके, 28,000 वोटों से गोपाल शर्मा जीत चुके। बड़ी खबर इस बीच में रुक कर लेते हैं कि शाम 5:30 बजे सीएम गहलोत देंगे इस्तीफा, बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं।
आपस में मैनेज कर लेंगे और वो सीट है वो कहीं ना कहीं टकराव का एक बड़ा बाइस बन गई है। और यहाँ पर जो बड़ा एक तरह से कहते हैं कि सबसे बड़ी खबर है ये शाम कि अभिषेक शाम कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर राहुल गांधी जो रविंद्र सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। खबर का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने हार मान ली है और अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे अपना इस्तीफा देंगे। अब कांग्रेस की तरफ से कोई बट नहीं, ये रुझान है, नतीजों का इंतजार करेंगे कांग्रेस की सरकार का। अब ये साफ हो चुका है, राजभवन जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। इससे पहले भी अभी सौजन्य भेंट कहा गया था कि उन्होंने मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी अभी राजभवन भी नहीं है लेकिन बसपा दो जयपुर से जहाँ बताइए कि लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या कार्यकर्ता देंगे धीरे बीजेपी को, सुबह तो बहुत ही कम लोग थे। तो फिर बीजेपी की जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी जल्द से जल्द तय किया जाए। बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आए, उसके बाद बीजेपी शालीनता की भाषा है कि अगर आप चुनाव हारते हुए दिख जाए, आपको लग जाए कि आप तो आप स्वयं से स्वीकार करके और इस्तीफा दे दें, इसमें आपकी बहुत अच्छी मेरे हिसाब से जो आपकी इज्जत बनी रहती है। और रही बात आपने दूसरा सवाल किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब कौन नामित होगा मुख्यमंत्री के लिए, तो देखिए ये पार्टी के संगठन का और पार्टी के अंदरूनी मामलों का मामला है, इसके अंदर हमें वैसे बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जो परिस्थिति है और जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी वहाँ पे अभी समझ लीजिए चुनावों के अंदर आई और आखिर में आकर के उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने जिस तरीके से चुनावों को बांधने का प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व अब शायद हो सकता है कि ये जिम्मेदारी दोबारा से वसुंधरा राजे जी की लगातार आपका दृष्टिकोण हो सकता है, मेरा दृष्टिकोण इसके अंदर दूसरा है। 6 सीटों पर आगे है, 80 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 12 सीटों पर अदर्स यानी अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। और एक बार फिर से बड़ी खबर, रुझानों में 12 सीटों पर अन्य को बढ़त है और इसके अलावा तमाम 199 हैं जिन पर रुझान सामने आ गए हैं और इन रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में सभी 199 सीटों के रुझान और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है, रिएक्शन ले लेते हैं। चयनिका जी, पहला रिएक्शन, 5 साल के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेंगे। रुझान जो है अभी फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमारा संकल्प शुरुआती रुझान है और ये अभी नतीजे आपको बदलते हुए दिखेंगे। आप बार बार देख रहे हो कि टैली बीजेपी की कम हो और दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र जी दिव्या मदेरणा के लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए, चंद्रशेखर से जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर क्या स्थिति है दिव्या मदेरणा के जो ओसिया विधानसभा देखिए बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है बहुत ऊपर नीचे होने वाला है लेकिन बात करें तो फिलहाल जो है दिव्या मदेरणा पूरे आनंद से और मजे से लौटेंगे तो विधानसभा वार सीटों के हिसाब से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं 107 सीटों पर ऊर्जा के साथ पहला दिन कांग्रेस और ये कारण यही था कि जनता से अपार स्नेह आशीर्वाद मिल रही है। रिजल्ट आपसे आयुषी, क्या अपडेट आपके पास? आश्वस्त हम पहले दिन से थे। राजस्थान की बात कर ले तो देखिए 190 सीटों के रुझान सामने आए बीजेपी 107 पर आगे है, कांग्रेस 80 पर और अन्य के खाते में 3 और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर होती हुई यहाँ पर दिख रही है। लगातार देखिए जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी अब बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान भी जो सामने आए थे उसमें और किस तरह से अभी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। पूर्ण बहुमत बड़ी जिम्मेदारी नजर आ रही है, जो कहा जा रहा था कि बागी और निर्दलीय यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलेगा, इस वजह से लगातार आंकड़ों की बात करें और अभी भी आपको बता दें लीड कौन कहाँ से लेता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए अगर हम बात कर ले तो यहाँ से सुभाष मारिया बीजेपी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौन की बात करें सरकार से यहाँ पर सुखराम बिश्नोई कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलवर की अगर हम बात कर ले तो देखिए टीकाराम जूली यहाँ से कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 190 सीटों पर रुझान सामने आया है, बीजेपी 107 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस 80 सीटों पर और अन्य के खाते में 3। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त जो टैली है जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको सामने रख देते हैं।
117 सीट की सबसे बड़ी खबर, 80 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी के सीएम के संभावित चेहरे जीते हुए नजर आए हैं। अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, और ये सबसे बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं जी। संभावित चेहरे की बात कर रहे थे रविंद्र, 190 सीट सवाल है कि सरकार जब बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो कौन से चेहरे होंगे जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। तीसरा नाम भी ओम बिरला का भी यहाँ पर सामने आया, तो अर्जुन राम मेघवाल, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला सीएम के दिव्या मदरेना को लेकर ओसी महलीत को लेकर कहा भी जा रहा था कि बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन चुनाव शुरुआती रुझान है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। झोटवाड़ा से बीजेपी का संभावित रिकॉर्ड है कालीचरण सराफ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। महेश का रुख करते हैं, महेश जी का रुख करेंगे, सौरभ हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, एक बार सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ का समय तस्वीर तो पूरी तरह से साफ हो गई, राउंड में 1389 वोटों से राजस्थान में बनने जा रही है और संभावित 50,000 की बात भी होने लगी है, क्योंकि टोटल 18 राउंड होंगे। बिल्कुल, संभावित चेहरों की तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। 20 राउंड होंगे, तो पहले राउंड में 1389 वोटों के आगे हूं। अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ओम बिरला हमारे साथ थी, इस बार कांग्रेस चर्चा जो है वो पूरे प्रदेश भर की चल रही है। इनमें से ही कोई एक शख्स जो है वो राजस्थान की सत्ता संभालेगा, लेकिन वो शख्स कौन होगा, क्योंकि देखिए तमाम इन नेताओं की रुझानों के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से वो पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये, 218 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो चयनिका जी ये बताइए कि बहुत जल्दी है, मैं समझ रहा हूँ अभी बेवकूफी होगा ये कहना कि इतने जल्दी हम नहीं कह सकते जी था, लेकिन ये आगाज गोविंद सिंह डोटासरा का 218 बड़ा चेहरा है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महत्वपूर्ण में जो है वो भूमिका निभाई है, जल शक्ति मंत्रालय उन्होंने संभाला है, और केंद्रीय महत्वपूर्ण ये है कि वोटों के बीच में अंतर कितना है, उनका अंतर कम होता है और पहले राउंड की वोटिंग हो रही है, तो आप कई बार होता है कि किसी एक ईवीएम में किसी एक के फेवर का पिछले 5 साल जो है वो लगातार कुछ 100 कुछ 20 वोट ऐसे वोट है, तो ये वोट तो आगे की काउंटिंग के अंदर कभी भी अलग पलट सकता है। 183 सीटें कांग्रेस के पास, 105 बीजेपी के पास, इसको भी कवर कर लेंगे और बढ़त भी बना लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का देखिए अभी आने तो दीजिए ना, कांग्रेस बढ़त बनाएगी, मुख्यमंत्री है और अभी तो 9 बजे हैं, आधा घंटा पहला राउंड पूरा हुआ है और आप अभी रिजल्ट निकाल देना चाह रहे हैं। लगातार चर्चा हो रही है, मैं आपसे समझ रहा हूं कि क्या उसके चेहरे पर मोहर जो है वो लगेगी, कि वोट देने के दौरान भी नेता ये जिम्मेदारी लेता है कि 2024 की लड़ जो है वो अपने दम पर जिता सकते हैं, तो उसी को ही जो है वो पहले कहते थे पूर्ण बहुमत राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिस प्रकार से पहले और महिलाओं की लंबी कतार, महिला तो पूरी तौर से नकार चुकी थी इस कांग्रेस की सरकार को, बिल्कुल देखिए राज्यवर्धन इनके मुख्यमंत्री जी के कहना की 56% मामले फेक दर्ज होते हैं, महिला के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला इनके मंत्री मर्दों का प्रदेश बताते हैं, मर्दों का प्रदेश है लेकिन यहाँ पर बड़ी अंतर है वो जीते, राठौड़ भी राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उदयपुर शहर से बीजेपी के तारा चंद जैन आगे चल रहे हैं, गोविंद जो है वो लगाए जा रहे हैं, चल रहे हैं शिखा मील बराला आगे चल रही है। बिल्कुल सौरभ, चूंकि परंपरा यही रहती है और बीजेपी की तरफ से कहा भी यह जाता है कि पार्लियामेंट्री की बोर्ड बैठक में ये डिसाइड होगा, मान लिया जाए कि बहुत जल्दी आज या कल में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कॉल की जा सकती है, और आज ये भी खबर है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़ा जश्न हो सकता है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं, 105 पर बीजेपी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं 83 पर, कांग्रेस आ गई है और 3 अदर्स वो आगे चल रहे हैं। देखिए आस्था जी, मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी रुझान चल रहा है, ये रुझान सौरभ आपका आवाज आई हमारी, हमारे अनुमान थे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सौरभ तक आवाज सियासी पे दिखा रही है, तो सवाल हम ये कर रहे थे कि मेरे हिसाब से जो हमारा अनुमान था वो 115% लेकिन बीजेपी के अंदर अभी 10-5 होने की संभावना बनी रहती है, डिसाइड करके बारे में तो अभी कुछ भी बोले जल्दबाजी, लेकिन अभी भी इस बात पे कायम हूं कि राजस्थान की जो जनता है
वो बैठा आप ये मान, दूसरी चीज ये कि आज दिल्ली में चार साल उनके साथ ये मानो कि उनके साथ मजाक हुआ, मकोल हुआ, और लास्ट के एक साल में उनको घोषणाएं करके और उनका मुंह चुप कराने की कोशिश की या उनको खरीदने की कोशिश की। मेरे हिसाब से ये भी तो आप मान रहे होंगे अभी शुरुआती रुझानों को देखकर कि टक्कर जो है जबरदस्त देखने को मिल रही है, एक तरफा नहीं जा रहा है, वो शुरू हो चुका है। रणजीत जी, अगर मेरा निजी मत पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये जो रुझान है इनके अंदर पोस्टल बैलेट का बहुत बड़ा योगदान है, और पोस्टल बैलेट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के मुद्दे को इतना हाइप करने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट के अंदर अगर इतना अच्छा निकल करके जा रही है तो मैं तो बहुत ज्यादा आसान भी हूँ, बल्कि मतलब सवा सौ से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है आने वाले और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 83 कांग्रेस लगातार कांग्रेस बढ़ती ये जिम्मेदारी मतलब लेता है कि राजस्थान है में वो पहले जो मार्जिन बहुत ज्यादा दिख रहा था जो है अब वो धीरे धीरे की झोली में डाल सकता है, की तरफ उसी की ताजपोशी जो है वो हो सकती है, और ये जो नाम है यही नाम होंगे जिनमें से एक चेहरा कम भी हुआ है राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट अंत में जाकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बारे में हम पूरी तौर पर आशान्वित हैं, पूरी तौर पर हम ये बात मान रहे हैं कि जनता हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो रहा है, तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं वो आप बता रहे हैं कहां क्या हो रहा है, बट वोटों की गिनती ये बता रही है कि बीजेपी आ रही है। नहीं, मैं बुकिंग तो राजनीतिक दल ही कर रहे होंगे ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे जातिगत समीकरणों की बात कर ले, 2024 की बात कर ले, 2024 में ऐसा मुख्य चेहरा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर जो खबर हमारे पास है कांग्रेस के खेमे में जरूर नींद उड़ी हुई है। बिल्कुल अलका जी, तो ये मानेंगे ही निरंजन जी की बीजेपी के पास कई सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सक्षम है। मैं चुनौतियों की अगर बात करूं भावी मुख्यमंत्री के सामने, एक तो ये चुनौती होगी कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, एक बड़ी संख्या में कांग्रेस वो हमारे जब एनएसवाई कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे तब से जानती हूँ, और उनका संपर्क में रहना और लोगों को उत्साहित करते रहना उनका नेचर है, और ये अच्छी बात है कि जो हमारे इस समय सारे कैंपेन का चेहरा थे और जिनके मुख्यमंत्री काल में इतने अच्छा काम हुआ, वो अगर अपने लोगों से बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, बताइए, उन्हीं को बात करनी चाहिए ना, बीजेपी के नेता तो फोन लगाएंगे तो वो गड़बड़ है। ठीक है, ये लगातार टैली तो दिखाई दे ही रही है दर्शकों को, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बार ग्राफ के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अभी 104 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए, और कांग्रेस की बात करें तो 86 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए रुझानों में, अन्य के खाते में अभी रुझानों में 5 ही सीट दिखाई दे रही है, 104 बीजेपी, कांग्रेस 86 और अन्य 5 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बाकी है ये चयनिका जी, आप किस तरीके से अब इसमें और ज्यादा फेरबदल होगा और कांग्रेस बढ़त बनाएगी? अभी भी टक्कर में है, अभी तक बीजेपी की भी सरकारें रही लेकिन कभी कोई टक्कर नहीं रहा है। 8 बजे से सुबह 8:30 बजे से ईवीएम ट्राइबल पार्टीज खुलेंगी, ईवीएम से मतगणना की शुरुआत होगी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया 2552 टेबल पर 4,100 हेलीकॉप्टर की जरूरत भाजपा को कहां पड़ती है, पहली बार इनको महाराष्ट्र में पड़ी थी जब ये लेकर के गए थे, सबसे नहीं शिवसेना को लेके आ गया भाई, और जहां लेकर गए वहां भी बच गए। और बिल्कुल पल्लवी, सबसे बड़ी खबर है जो हम ब्रेक कर रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 1,862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज राजस्थान में होने जा रहा है, नतीजों का दिन है, परिणाम का दिन है, जो मेहनत की है पॉलिटिकल पार्टी होगा, जनता के जनमत का इंतजार सबको था, वो घड़ी आज आ गई है, और सबसे पहले सबसे नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे और हमारी सहयोगी अपडेट कर रही है बालमुकुंद आचार्य यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से पीछे होते हुए और आरएन तिवारी यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि और उसके बाद अब ताजा स्थिति की बारी है, यानी कि जो भी करंट अपडेट है वो आपको बता दें, 104 जो है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि चंद समय बाद में काउंटिंग की शुरुआत 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, और उनके बाद अब बारी आएगी ईवीएम की, राजस्थान की 199 सीटों के नतीजे शाहपुरा से मनीष यादव कांग्रेस की तरफ से
लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा की बात करें तो देखिए शांति धारीवाल कांग्रेस की तरफ से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर देखिए आप जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ही समय का इंतजार है जब यहाँ पर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और लगातार नजरें बचाए बिल्कुल अरबाज करेंगे। लेकिन पहले हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि आज जनादेश किसे से मिलेगा, जनादेश कौन होगा, सत्ता का सरदार इसका हर किसी को आज से इंतजार है। प्रदेश में बंपर मतदान और एग्जिट पोल के रुझानों के बाद अब ऊंट किस करवट आज बैठेगा, तस्वीर थोड़ी देर में साफ होगी। सीधे हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ, और साथ ही हम बताते चले कि चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता आज तैनात है, जनता के बीच से लेकर के बूथ तक जहां पर गिनती हो रही है वहां पर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ काम कर रही है। अलग अलग राज्यों के यहां पर अपडेट दिए जा रहे हैं, टीम कैसे काम कर रही है आपके समक्ष देखिए इतने सारे लोग हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। कितने देर का और हमें इंतजार करना होगा जब तस्वीरें क्लियर होंगी? देखिए अभी आज चार स्टेट्स में जो काउंटिंग हो रही है उसके लिए 171 काउंटिंग सेंटर्स टोटल है। 171 काउंटिंग सेंटर्स में हमारे अपने 250 रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स काम कर रहे हैं और वहाँ से डायरेक्टली ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस कॉल सेंटर के साथ डायरेक्ट काउंटिंग सेंटर से, और वहाँ से जो वो नतीजा है या ट्रेंड हमें देते हैं वो स्क्रीन तक आने में सिर्फ 5 सेकंड का समय लगता है। तो बस अभी 2-3 घंटे में पिक्चर जो है सामने आएगी, सभी ट्रेंड्स हम क्लियर करेंगे तब लोगों को पता चलेगा कौन कहां सरकार बनाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए लगातार हमारी इतनी बड़ी टीम है और पल पल की अपडेट आपको दे रही है, और राजस्थान की अपडेट के लिए हमारे साथ ये बड़ी टीम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अभी जो करंट अपडेट है वो हम आपको बता दें, 196 सीटों पर रुझान सामने आया, बीजेपी 103 सीटों पर और कांग्रेस 86 और अन्य के खाते में 7। उदयपुर शहर में देखिए कांग्रेस के गौरव वल्लभ पीछे है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ओवर टू यू रविंद। बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन बीकानेर पश्चिम से दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीडी कल्ला वहां पर पीछे चल रहे हैं, और इसके अलावा हवा महल की बात करें तो आरा तिवाड़ी इस सीट से आगे चल रहे हैं। मैं रुक निरंजन पोदार जी का करूंगा। निरंजन जी, ये उम्मीद करें क्या अब इन रुझानों के बाद की नेल बाइटिंग फिनिश का आज मुकाबला देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए अब सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी रुझान चल रहे हैं मेरा अनुमान अभी भी उसी, अब तो स्थिति यह है कि अब राजस्थान के अंदर कहानी ये चलेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और उसके अंदर मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी मेहनत और कसरत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जिस तरीके से वसुंधरा जी को इन्होंने पीछे किया था और सेंट्रल के चेहरे के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि 105 से 110 सीटें होती हैं तो अगला मुख्यमंत्री शायद राजस्थान का वसुंधरा राजे सिंधिया ही नज़र आ रहे हैं मुझे। एडिटर न्यूज 18 राजस्थान अमित भट्ट इस वक्त मेरे साथ राजस्थान विधानसभा से जुड़ रहे हैं। अमित जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, खबर ये भी मिल रही है कि प्रतापगढ़ में हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन ली जा रही है, क्योंकि साथ ही साथ अगर रुझान और नतीजे आएंगे तो फिर दूसरी तरफ से राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो रही है। बिल्कुल, हम बात भी कराएंगे न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या कह रहे हैं रुझान? प्रियंका, ये देखिए आज हम जयपुर में हैं और यहाँ सुबह से ही मौसम जो है वो बिल्कुल ओवरकास्ट है, बादल छाए हुए हैं, हवा में ठंडक है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पर गर्मी ला दी है। अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी को जो है वो बहुमत से ज्यादा जो है सीटें मिल रही हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं ये भी शुरुआती रुझान हैं जिनमें मोस्टली जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुले हैं, लेकिन इसमें भी अगर ये माने कि पोस्टल बैलेट्स की अगर देखें बात करें तो ये मोस्टली जो है वो चुनाव की ड्यूटी में गए थे जो सरकारी कर्मचारी थे उनके हैं, तो ओपीएस इनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और इसमें अगर कांग्रेस पिछड़ती है तो ये माना जा सकता है कि आगे के नतीजे जो हैं वो इनसे और ज्यादा अलग तरीके के हो सकते हैं। जब एक दो राउंड की मतगणना हो जाएगी, ईवीएम से जो शुरू हो रही है वो एक दो राउंड की हो जाएगी, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी, और तभी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये माना जा सकेगा कि कौन सी पार्टी पूरी तरह से बहुमत लेने जा रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरें कुछ ही समय में साफ भी होंगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कुछ और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। योगेंद्र जी, कहाँ है आम आदमी पार्टी, कितनी सीटें ला रहे हैं, अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसा अभी भट्ट जी ने भी कहा है
के प्रारंभिक रुझान है, अभी तो पेटियां खुलनी शुरू हुई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आम आदमी के साथ रहेगा और आम आदमी को आम आदमी का सपोर्ट मिलेगा। तो योगेंद्र जी का कहना है कि आम आदमी को आम आदमी का सपोर्ट जरूर मिलेगा, क्या लग रहा है मोहन जी? और एक सवाल आपसे पूछना भी था कि दूल्हा कौन है? पार्टी सज धज कर तैयार है, बारात निकलने वाली है, दूल्हे का पता ही नहीं है। प्रियंका जी, आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है, हमारी कैडर बेस पार्टी है, पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। बातचीत जारी रखिए, लेकिन बीजेपी ऑफिस में पूरा इंतजाम किया गया है जयपुर में, बड़ी स्क्रीन लगाकर इन रुझानों और नतीजों को देखने का। और खास बात यह कि हमारा चैनल यानी न्यूज 18 राजस्थान को बीजेपी ऑफिस में रुझानों के साथ और नतीजों के साथ देखा जा रहा है, और बड़ी संख्या में अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशी या यूं के जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बीजेपी के पक्ष में अगर ये नतीजे तब्दील होते हैं तो यहाँ कुर्सियां बैठने के लिए नहीं बचेंगी। एक बार फिर से प्रियंका, आप ही का रुख करते हैं। रविंद्र, लगातार हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, रुझान भी लगातार दिखा रहे हैं महासंग्राम 2023 को लेकर। जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। शैलेंद्र जी, बीजेपी पार्टी जीत का जश्न भी मनाने लग गई है, अभी बीजेपी कार्यालय से भी तस्वीरें दिखाई, कार्यालय सज धज कर तैयार है। देखिए, जिस तरह से राजस्थान की जनता ने वोट डाले हैं और जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा है, जो बताता है कि 5 साल कांग्रेस की जो गहलोत सरकार रही, जिसने अटूट भ्रष्टाचार दिया, महिला अत्याचार दुष्कर्म दिए, बिजली की दरों को बढ़ा दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, युवाओं के साथ धोखा किया, ये सारी तमाम बातें जो हैं वो जनता में, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं, अंडर करंट है। निश्चित तौर पर अंडर करंट है, कांग्रेस पार्टी की विदाई हो रही है। जिस हिसाब से आप प्रारंभिक रुझान देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, एक बार फिर से वही सवाल, सीएम कौन होगा? देखिए, इस बार चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं, पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहां हमारे लिए मुख्यमंत्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने देखा होगा कमल का फूल ही हमारा पहचान है, शान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कमल के फूल पे लड़े थे, माननीय वसुंधरा जी भी, या जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं, सब कमल के फूल पे लड़ते हैं। आने वाले समय में विधायक दल की बैठक होगी, ठीक है, कमल का फूल खिलेगा या लोगों का साथ हाथ के साथ जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नतीजे कुछ समय में क्लियर भी हो जाएंगे, लेकिन माना राम जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो पार्टियां हैं वो RLP के बोतल से पानी पियेंगी। जी देखिए, बगैर पानी पिए, मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार नहीं बनने वाली, RLP SP के बिना सरकार नहीं बनने वाली। और आप सवाल कर रहे हो बार बार दोनों पार्टियों से, कह रहे हो कि आपका सीएम का चेहरा कौन है, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ इनके 5-5, 10-10 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो 4-5 मुख्यमंत्री तो इनके आ ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है टोंक से, सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, शुरुआती रुझानों में टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है। लेकिन आयुषी गुप्ता का भी एक बार सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ भाई सहयोगी रिजल्ट हब से मौजूद हैं। रविंद्र, देखिए टोंक हॉट सीट है और सचिन पायलट 4,868 ये सीट, और देखिए यहाँ पर पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं और लीड करते हुए यहाँ पर अजीत सिंह मेहता नजर आ रहे हैं। टोंक सीट की अगर हम बात कर ले तो ये हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर देखिए जोरदार चक्कर माना जाता है। सचिन पायलट देखिए लगातार ये दावा करते हुए नजर आए थे कि इस बार कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट होगी। बीजेपी एक तरफ कह रही थी कि हम आंकड़ा छुएंगे और वही नतीजे यहाँ पर देखिए निकल करके सामने भी आ रहे हैं। 196 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और बीजेपी 103 का आंकड़ा पार कर चुके, यानी 100 का आंकड़ा यहां पर पार कर चुकी है। कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए 86 और अन्य के खाते में 7, लेकिन जो बड़ी अपडेट ये है पर कांग्रेस और 7 पर अन्य। सीधा एक बार फिर से रुक करते हैं, प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका आप चर्चा आगे बढ़ाइए और जरूर इस पर जिक्र कीजिए कि शुरुआती रुझान में यहां टोंक से अगर बात करें तो सचिन पायलट पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी जवाब दे दीजिए इसका। ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है रविंद्र जी, क्योंकि ये बहुत ही अपेक्षित मेरे हिसाब से रिजल्ट चल रहा है। अगर सचिन पायलट जी टोंक से अगर पीछे चल रहे हैं तो अब ये क्या मामला है इसका, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है। इशारा किस तरफ है, मतलब किस तरफ? भाई मेरा इशारा इस तरफ है, इसका मतलब राजनीति के अंदर घात प्रतिघात इतना बड़ा हो सकता है
कि अपने किसी पहले उनको उप मुख्यमंत्री से हटाया, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, और अब उनको शायद विधायक से भी हटाने का कहीं के कोई षड्यंत्र तो नहीं चला पार्टी की तरफ। चलिए, मुझे लग रहा है इसका जवाब चयनिका जी देंगे। चयनिका जी, वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ तो बीजेपी से ज्यादा विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट ने निभा दी। देखिए, जब बात ये करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि सरकारें कोई भी हो, उनकी आलोचना और उनकी समीक्षा होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और जब विपक्ष नाकारा होता है तो कई बार खुद पार्टी के लोग भी, राजीव गांधी कह के गए हैं कि जब विपक्ष नाकारा हो तो पार्टी को खुद को निभानी चाहिए। रही बात सचिन जी की, सचिन जी चुनाव हारेंगे नहीं, आप ये देख लीजिए। आपके पास क्या अपडेट इस वक्त? देखिए बिल्कुल, जयपुर जिले का इस समय मैं आपको रुझान देना चाहूंगा, जिसमें कि शाहपुरा विधानसभा की बात कर ले तो मनीष यादव जो है वो यहां पर एक बड़ी लीड कर रहे हैं, 8,000 वोट से लीड कर रहे हैं। रफीक खान है वो करीब 10,000 वोट से आदर्श नगर में लीड कर रहे हैं। सांगानेर में पहला राउंड जो है वो पूरा हुआ, बीजेपी के भजनलाल शर्मा 727 वोट से लीड कर रहे हैं। बस्सी में भी जो है जानकारी यहां पर आ चुकी है, जो चंद्रमोहन मीणा है बीजेपी के वो यहां पर लीड कर रहे हैं। किशनपोल विधानसभा पर 9900 वोट से जो है कांग्रेस के अमीन कागजी है वो लीड कर रहे हैं। प्रेमचंद बेरवा है जो दूदू विधानसभा में है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने वहां पर 2,000 वोट से जो है वो बढ़त बना रखी है। एक बार फिर काउंटिंग प्लेस की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो काउंटिंग है वो लगातार यहां पर जारी है। पहले जो रुझान है पहले चरण के वो आ गए हैं। अरबाज इस समय में मेरे साथी हैं, वो पहुंच रहे हैं। कुछ कुछ जानकारी में हमारे पास में जो डाटा है ये आपको बता देते हैं। आदर्श नगर पहले राउंड में 10,000 से वोटों से लीड कर रहे थे, सेकंड राउंड में दूसरा राउंड आ गया जी। ये दूसरे राउंड का आप देखिए कि इसमें कुल 21,305 वोटों का वो है, और जो लीडिंग है इसमें कैंडिडेट उसको अगर आप देखेंगे तो रफीक खान कांग्रेस के लीड कर रहे हैं, 13,670 इन्होंने वोट हासिल कर लिए। और अभी तक का जो पूरे राजस्थान का मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट बता दूं कि एक एक वोट जो हम बिल्कुल अंदर से निकाल करके आ रहे हैं, ये 34 पे बीजेपी पूरे स्टेट के अंदर लीड कर रही है और 28 पर कांग्रेस लीड कर रही है। ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा जो है बहुत मतलब अभी तक की जो स्टेटस है वो मैं बता रहा हूँ अलग अलग राउंड के हिसाब से। और भारतीय जो आदिवासी पार्टी है वो 4 पे लीड कर रही है, करीब 2 पर बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है, 1 पर राष्ट्रीय लोकदल जो RLD है वो लीड कर रही है। यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी है वो भी 1 पर लीड कर रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी 1 सीट पर लीड कर रही है। क्योंकि 11 की संख्या इनकी अन्य की है, कौन निर्दलीय है, कौन से राजनीतिक दल से बढ़त बनाए हुए हैं रुझानों में, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ऑफिशियल आंकड़ा एक बार पूरी तरह से दर्शकों के सामने रखिए। देखिए ऑफिशियल आंकड़े में मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो रुझान आए हैं वो 71 सीटों के दिए हैं इन्होंने, जो डाटा एनालिसिस करने के बाद में जिसको उन्होंने वेरीफाई किया है। 71 सीटों में से आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप जो है 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और मैं ये 34 सीट अगर आपको फटाफट इसमें पढ़ दूं तो कोलायत, सादुल शहर, चूरू, धौर, श्रीमाधोपुर, विराटनगर, जम्वा रामगढ़, विद्याधर नगर, चाकसू, बहरोड, अलवर, अरबन, सिकराय, मारवाड़ जंक्शन, शेरगढ़, जोधपुर, पिंडवाड़ा, आबू, रेउदर, झाड़ोल, उदयपुर रूरल, बेगू, निम्बाहेड़ा, सहाड़ा, भीलवाड़ा, जहाजपुर, कोटा साउथ, लाडपुरा, छबड़ा, झालरापाटन, ये सीटें 28 हैं जिस पर बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन अरबाज एक जो जानकारी चौंकाने वाली यहाँ पर है, क्योंकि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के और झोटवाड़ा से वो लड़ रहे हैं, झोटवाड़ा का क्या रुझान आ रहा है वहां? तो झोटवाड़ा में अजीब बड़ा एक तरह से देखें कि अभिषेक चौधरी लीड कर रहे हैं इसमें, पहले शुरुआती 2 राउंड के अंदर वो आगे चल रहे हैं बाकायदा झोटवाड़ा के अंदर, जैसा माना जा रहा था आशु सिंह सूरपुरा और राजवर्धन सिंह राठौड़ आपस में मैनेज कर लेंगे, और वो जो सीट है वो कहीं ना कहीं टकराव का एक बड़ा बायस बन रही है। और यहाँ पर जो बड़ा एक तरह से कहते हैं कि भाई सरप्राइज एलिमेंट ये है कि अभिषेक चौधरी लीड कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राउंड वाइज जो है बाकायदा सारी चीज होती रहेंगी, और आप देखेंगे कि जिस तरह से जो सिचुएशन है अलग अलग जगह से अलग अलग सीट का हम रेगुलर अपडेट ला रहे हैं, और आप देखेंगे भारतीय आदिवासी पार्टी जो है 4 सीटों पर लीड कर रही है। ये भी बड़ी खबर है, ट्राइबल सबको इंतजार था क्या होगा, ये जो अपना वागड़ इलाका है, डूंगरपुर, चौरासी, घाटोल, बांसवाड़ा, इन 4 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी लीड कर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का क्या सीन है? आम आदमी पार्टी अभी सीन में कहीं भी नहीं है, लेकिन बसपा 2 सीटों पर लीड कर रही है।
आरएलपी के लिए देखिए कि मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक सीट पर लीड कर रही है आरएलपी और वो है बिलाड़ा से, जिसमें जगदीश चर्चा हो कड़ेला है वो बाकायदा 90 के मार्जिन से आगे चल बहुत तेजी के साथ चार सीटों पर रुझानों में आगे बढ़ती हुई। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है बीजेपी मुख्यालय जयपुर से, जहां बताइए कि लोगों की संख्या बढ़ रही है क्या कार्यकर्ताओं की धीरे धीरे, क्योंकि सुबह तो बहुत ही कम लोग थे। जी बिल्कुल, जैसे ही रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आए उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर माहौल जो है वो बनने लगा है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम कार्यकर्ता नेता जो है वो यहाँ पर जुट रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो नारेबाजी है वो दिखाना चाहेंगे एक बार, किस प्रकार का उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से आगे हमारे यहाँ 140 सीटों से ज्यादा सीटें आएगी, राम राज आएगा। इस कांग्रेस सरकार ने गुंडा राज कर रखा था, युवाओं के साथ अन्याय पे अन्याय किया, हर पेपर लीक कराया। हम बच्चे गाँव से आते हैं, कोई कमरा लेते हैं, कोई कोचिंग की फीस जमा कराते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, और किसानों से भी ऐसे वादा किया, दस्तक की गिनती गिनाई, पिछली बार सरकार बनाई, इस बार 25 तारीख की वोट की चौंध पे किसानों ने बगाया, युवाओं ने बगाया, हमारी 140 सीटें आएगी और भाजपा सरकार बनेगी, राम राज आएगा। रुझानों में जो फिलहाल आंकड़ा सामने आ रहा है, राजस्थान में सभी 99 सीटों के रुझान आ चुके हैं। आपको बड़ी अपडेट दे दे, रुझानों में बीजेपी 106 सीटों पर आगे है, 81 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 12 सीटों पर अदर्स यानी अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। और एक बार फिर से बड़ी खबर, रुझानों में 12 सीटों पर अन्य को बढ़त है और इसके अलावा तमाम 199 सीटें हैं जिन पर रुझान सामने आ गए हैं और इन रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में सभी 199 सीटों के रुझान और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है, रिएक्शन ले लेते हैं। चयनिका जी, पहला रिएक्शन आपका। जी, मैं ये कह रही हूँ कि रुझान जो है अभी फिर भी मैं ये कहूंगी कि शुरुआती रुझान है और ये अभी नतीजे आपको बदलते हुए दिखेंगे। आप बार बार देख रहे हो कि टैली बीजेपी की कम हो रही है और जो की ना, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है और उसमें आपको नहीं पता कि आगे कैसे मार्जिन वो कवर होगा। अलका जी, ये जो उत्साह बनाया जा रहा है बहुत जल्दबाजी तो नहीं है जश्न की? नहीं, ये शुरुआत में ही पता लग जाता है, जैसे पूत के पांव पालने में और बोनी अच्छी होने की बात अब चल रही थी, ये सारी चीजें हैं और शुरुआत ही बता देती है। कर्मचारी वर्ग जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस कर रही थी उसी ने इनकी पोल खोल दी, तो आगे तो देखिए टैली बढ़ेगी बीजेपी की। रिजल्ट हमें आयुषी कुछ अपडेट लेकर मौजूद है। आयुषी, आपका रुख करते हैं, 199 में से 199 सीटों का इस वक्त रुझान मिल रहा है राजस्थान का। रविंद्र जी, देखिए लगातार बीजेपी अब बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अपडेट है। क्या अपडेट है एक बार बताइए, कौन सी सीट पर आप बता रही थी? यहाँ पर आपको लगातार अपडेट, देखिए हमारी टीम है अलग अलग तरीकों से यहाँ पर आपको टैली के माध्यम से और बहुत सारे अपडेट जो इनके सामने सबसे पहले आते हैं। बताइए कौन सी सीट पर था ये? अच्छा, ठीक है। और हमारे पास इनके पास भी अपडेट है, क्या है अभी आपके पास अपडेट, बताइए जल्दी से। एक मिनट। तो लगातार देखिए यहाँ पर बीजेपी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो टीम है, और बताइए यहाँ पर बांसवाड़ा में इंडिपेंडेंट के बाप पार्टी के भारतीय आदिवासी पार्टी के हेमंत राणा आगे चल रहे हैं और बीजेपी के धन सिंह रावत पीछे चल रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर बीजेपी से जो धन सिंह रावत है बांसवाड़ा सीट से यहाँ पर पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बाप आगे तो हुई नजर आ रही है। यानी कि देखिए अभी यहाँ पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है रविंद्र, लेकिन जो आंकड़े अभी निकल करके सामने आ रहे हैं और जो कहां पर कौन लीड करता हुआ नजर आ रहा है वो हम आपको एक बार दिखा दें। झुंझुनू से देखिए ब्रजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस की तरफ से यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर की अगर बात कर ले तो देखिए कृष्ण गोपाल पालीवाल बीजेपी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी हम कई नाम आपको बताएंगे, सिरोही से बताएं तो जगसी राम देखिए बीजेपी की तरफ से यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आप टीम देख रहे हैं, देखिए लगातार ये हमको अपडेट दे रही है, रिजल्ट हब है ये और सारी टीम पल पल की अपडेट दे रही है। एक और अपडेट है अभी इनके पास, ये खेतरी से धर्मपाल आगे चल रहे हैं 2951 वोटों से। बिल्कुल, तो देखिए खेतरी से यहाँ पर धर्मपाल आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और एक और अपडेट है यहाँ पर, देखिए कौन कहाँ से आगे चल रहा है, बगरू से कैलाश चंद वर्मा आगे चल रहे हैं। तो बगरू की यहाँ पर बात हुई तो यहाँ पर साथ ही साथ बात अगर रामलाल शर्मा की सीट चौमू की करें तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर भी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी बातें अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आ रहे, 199 की 199 सीटों के रुझान आए हैं सामने, 108 पर बीजेपी आगे, 89 पर कांग्रेस आगे, एक दर्जन सीटों पर अन्य आगे है, जिसमें बड़ा
जो फैक्टर है, बीएपी के चार उम्मीदवार आगे हैं और यकीन मानिए आस्था, ना सिर्फ बीजेपी, ना सिर्फ कांग्रेस, बल्कि दोनों ही तरीके से जो रुझान आ रहे हैं सामने, चौंकाने वाले दोनों ही राजनीतिक दलों से हैं सामने जी। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है, टोंक से सचिन पायलट 240 वोटों से पीछे हैं, 240 वोटों से पीछे सचिन पायलट। अब से ठीक 5 मिनट पहले उनके पीछे चलने की खबर आई थी और अभी भी वही स्टेटस लगातार बरकरार है, टोंक से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, 240 वोटों से पीछे हैं। हालांकि वोट अभी बहुत कम है, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन यह खबर प्रथम दृष्टया चौंकाती जरूर है राकेश गोयल जी, सचिन पायलट। लेकिन उससे पहले अरुण चतुर्वेदी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी को सुनेंगे, लेकिन राकेश गोयल जी पहला रिएक्शन, आप जो 108 सीटों पर बीजेपी रुझान में आ गया, सचिन पायलट पीछे। देखिए बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी लड्डू बांटने की स्थिति में और कांग्रेस शायद सिर्फ अभी अपने पटकने की स्थिति में आ गई है। टोंक से मैं बात करता हूँ अगर सचिन पायलट जी की, उनके पीछे होने के पीछे बहुत सारे कारण है, कुछ मुस्लिम मतदाता है वहां के जो AIMI में चले गए हैं, जो उनको वोट नहीं दिया, कुछ गुजर वोट बैंक भी उनका छिटक गया है, और जिस तरीके से भाजपा से भी विदुड़ी जी ने जाके वहाँ पे काफी अच्छा काम किया और काफी लोगों को भाजपा के पक्ष में लेके आए, जो कि खासकर गुजर मत था, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मेहता जी का पलड़ा भारी है और सचिन पायलट के पीछे। खबर इस वक्त निकल कर आ रही है कौन आगे कौन पीछे वीआईपी और हॉट सीट से, आपको बता दें सतीश पूनिया पीछे चल रहे हैं आमेर विधानसभा सीट से। अगली सीट की अगर बात यहां पर करें, ग्राफिक्स रही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन आगे या पीछे चल रहा है। फिलहाल ये सतीश पूनिया जी की बात है, लेकिन सीपी जोशी की बात करना जरूरी हो जाता है, वो कुछ कह रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं अलग अलग जगह जाकर बीजेपी प्रदेश। चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी खेमे में उत्साह है और कांग्रेस ये कह रही है राकेश गोयल जी कि अभी ये जल्दबाजी, काफी गैप है अगर हम देखें तो बहुत बड़ा गैप शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये गैप और फासला बढ़ता जा रहा है। हाँ जाहिर सी बात है 25-30 सीटों पे बहुत कम वोटिंग से शायद हार जीत के नतीजे आएंगे। सुन लेते हैं सीपी जोशी जी को। कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार कितने पार, इस बार कितने पार? देखिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ 135 प्लस ऊपर कितने जाएंगे ये अब शाम सीपी जोशी जी ने कल कहा था कि जो सीएम होगा डिसाइड आला कमान करेगी, उसको पहली माला मैं पहनाऊंगा। ये बताइए इनको माला पहनाने का मौका कब मिलेगा अगर बीजेपी जीत रही है? बहुत जल्द अगर आज आ रहे हैं तो बहुत जल्द, कितना हफ्ता 10-15 दिन, क्योंकि कई बार देखा है कि वक्त भी लग जाता है। ये नहीं, वक्त नहीं लगेगा, मतलब मैं वही जानना हूँ सीपी जोशी जी को माला पहनाने का वक्त कब मिलेगा? बहुत जल्दी मिलेगा, ये संसदीय बोर्ड तय करता है और संसदीय बोर्ड बहुत जल्द तय करेगा, क्योंकि हम उत्साहित हैं और राजस्थान को सुशासन देने की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है चैनिका जी, आपसे सवाल, सचिन पायलट टोंक से पीछे हैं, हालांकि ये शुरुआती रुझान भरे, अभी आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन उनका पीछे होना ही वो भी टोंक से, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। कहा यह जा रहा है जब से वोटिंग हुई है कि गुर्जर और जाट वोट बैंक, कोर वोट बैंक है सचिन पायलट का गुर्जर वोट बैंक, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, नुकसान हुआ है जो भी कुछ घटनाक्रम और प्रकरण अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच हुआ, क्योंकि देखिए जनता कंफ्यूजन पसंद नहीं करती चेहरों को लेकर। देखिए जहां तक सचिन जी की बात है, हालांकि 240 वोट कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं है जिसको सचिन जी कवर ना कर सकें, मैं तो नहीं मानती कि वो पीछे क्षणिक हो सकता है, कुछ समय बाद देखेंगे कि वो इसको कवर भी करेंगे और आगे भी जाएंगे और अच्छी विजय भी हासिल करेंगे। रही बात, मैं ये कहूंगी कि मतभेद हर पार्टी के अंदर नजर आते हैं, ऐसा नहीं है भाजपा में, चूंकि आप सत्ता में होते हो तो जब आप केंद्र में सत्ता में हो, पावर में हो, तो आपके मतभेदों को उतना लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, या क्योंकि आपका कद बड़ा हो रहा है, कि यहाँ के मतभेद आप ये देखिए जो भी मतभेद थे वो निपटाए भी गए, सुलझाए भी गए, और आप साथ साथ देखिए पूरा का पूरा चुनाव एक साथ आकर के एक मंच पर पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ा भी गया, और चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस ने अच्छा लड़ा। और एक मंच की बात कर रहे हैं तो एक मंच पर कहां दिखाई दिए थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत कभी चुनाव कैंपेनिंग करते? पूरा पूरा बहुत सारे मंचों पर दिखाई दिए, कैसी बात कर रहे हैं आप, बहुत सारे मंचों पर दिखाई दिए, इवन आप ये देखिए राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार दिखे हैं, और उसके बाद आप ये देखिए कि खुद सचिन पायलट जी का वीडियो खुद अशोक गहलोत जी के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुआ है, तो ऐसा
नहीं है। वो तो उस दिन किया था जब गुर्जर वोटर को लेकर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, पर वो आप अगर एक स्ट्रेटजी है, इसीलिए ऐसे जादूगर ऐसे नहीं कहते, जादूगर ऐसे नहीं कहते। अलका गुर्जर ये बताइए कि गुर्जर जो पिछली बार छिटका था वो इस बार आता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा कोर वोट बैंक है, और देखा जाए तो जो मोदी जी की पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर विश्वास करके हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। लग रहा है कि आपके लिए राजस्थान में और इस बीच सीधा रुख करते हैं रिजल्ट हब का, हमारी सहयोगी लगातार वहां से हैं और हर एक डेटा पहुंचा रही हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। प्रियंका हमारे साथ विधानसभा के बाहर से हैं, उनके पास भी गेस्ट पैनल है। प्रियंका चर्चा कीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार रिजल्ट हब का रुख करेंगे। जी आयुषी बिल्कुल, देखिए आस्था जी, जिस हिसाब से हम बात करें सीटों को लेकर के, फतेहपुर सीट के तरफ से जो अभी अपडेट सामने आई है वहां पर देखिए हाकम अली खान कांग्रेस की तरफ से यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रही है, यानी कि अब जोरदार टक्कर यहां पर दिखते हुए नजर आ रही है। और सीटों की हम बात करेंगे, यहां पर कौन सी सीट पर कौन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि बरौली के तोड़ा भीम से जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है लीडिंग में है, अभी 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 अपडेट आया है, वो जो है 3,953 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर पर है, बीजेपी वाले को वोट मिला है 5,629। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस कई जगहों पर लीड लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन हमारे साथ और भी यहाँ पर टीम मौजूद है जो लगातार पल पल की अपडेट दे रही है, और इनसे भी जानेंगे कि कौन सीट पर कौन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्या टाइम हो गया वैसे? अभी 9:30 अभी, मतलब 10 बजे मुझे भी उठना है। वसुंधरा राजे वो आगे चल रही हैं। हाँ। और उसके अभी कॉल आ रहा है तो बता दूं। तो देखिए लगातार यहाँ पर टीम अपडेट देती जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन 199 सीटों का जो रुझान है वो यहाँ पर निकल करके सामने आया है। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से देखिए 107 सीटें यहाँ पर आगे बढ़त लेते हुए, कांग्रेस की बात करें तो 80 सीटों पर बढ़त लेते हुए, और अन्य की बात करें तो 12 सीटों पर अन्य बढ़त बनाते हुए रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका का रुख करेंगे, राजस्थान विधानसभा से सामने मौजूद हैं, उनके साथ मेहमानों का भी पैनल है, रिएक्शन लीजिए, बातचीत कीजिए प्रियंका। बिल्कुल रविंद्र, बातचीत भी करेंगे, चर्चा लगातार जारी है, और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जो रुझान सामने आ रहा है उसे लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। अमित जी, हम जब लोगों को सुन रहे हैं तो यही कहेंगे मीठा मीठा गुड़ुप कड़वा कड़वा थू, क्योंकि अभी रुझानों में बीजेपी आगे और कांग्रेस का कहना है कि अभी तो काउंटिंग जारी है, इंतजार तो करिए। देखिए ये जो कह रहे हैं और जिस तरह का उत्साह बीजेपी में है या कांग्रेस अभी ये कह रही है कि हाँ अभी और कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो इसको गलत पूरी तरह से नहीं ठहराया जा सकता। अभी हम जो देख रहे हैं शुरुआती रुझान है 107 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो बहुमत से काफी आंकड़ा उन्होंने जादू एक तरह से इसमें किया हुआ है, लेकिन ये फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। जब कम से कम 2 राउंड की मतगणना पूरी हो जाएगी तब जाकर के ये माना जा सकेगा, और उसमें भी लीड कुछ बहुत ज्यादा होगी तब ये माना जा सकेगा कि हाँ ये लीड जो है ये परमानेंट है, और ये आखिरी जो 17-18-20 राउंड तक चलेगी वो कायम रह सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बूथ, सिर्फ एक बूथ है, वो पूरे टैली को बदल देता है। लेकिन ये मैं अपने दर्शकों को, न्यूज 18 के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी टीम जो ये वो लोग हैं जिनको 20 साल का अनुभव है एक्सपीरियंस ऐसे चुनाव कवर करने का, ऐसी काउंटिंग कवर करने का और रिजल्ट्स देने का, सबसे पहले सबसे तेज सबसे सटीक, ये हमारी सबसे जो एक्सपीरियंस टीम है ये हर मतदान हर मतगणना केंद्र पर हर काउंटिंग सेंटर पर है, और हम आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले और सबसे भरोसे के साथ देंगे। ये न्यूज 18 के दर्शक बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल सर, लगातार अपडेट हम पहुंचा भी रहे, लेकिन मोहन जी पिक्चर बाकी है क्या अभी? पिक्चर बिल्कुल जोरदार पिक्चर देखने के लिए मिलेगी आपको। जिस तरीके से राजस्थान में विकास हुआ है, राजस्थान में जो काम हुए हैं, और जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, आपको चौंकाने वाले रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे कि पहली बार रिवाज बदलेगा और प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस की सरकार, मिशन 156 पर कायम है अभी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ में बनेगी। आप देखना, हमने भी सीट वाइज एक एक विधानसभा वाइज वर्क किया है, तो इसमें स्थितियां बिल्कुल क्लियर है। अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए मेरे साथी और आप लोग बीजेपी को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआती रुझान है, हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि अभी बड़ा फेर बदल भी हो सकता है, लेकिन योगेंद्र जी आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत मिल सकते हैं क्या अभी?
देखिए जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, संकेत क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसी तरह हम बात करते हैं। और बात यह है कि पिछली दफा भी बीजेपी ने विपक्षी भूमिका निभाई नहीं, इस बार जो विपक्ष आएगा वो भी नहीं निभाएगा क्योंकि उनको लगता है कि 1/1 सीटें मिलेगी। तो विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, सड़क पर हम उतरेंगे, जनता की आवाज बनकर उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को जो हक है वो मिलते रहे और पार्टियां जो वादे उन्होंने किए हैं उसको जुमला कहकर पीछे न हट जाए। तो पार्टी जो वादे करके सत्ता में आने वाली है, ये योगेंद्र जी का कहना है कि वो अपने वादे पूरे करें, इसे लेकर हम विपक्ष में कड़ी भूमिका निभाएंगे। शैलेंद्र जी, अभी भी दावा है कांग्रेस का जीतेंगे तो हम ही साहब। देखिए प्रारंभिक रुझान है उसमें राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है, विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखिए गारंटी वादा खिलाफी किसने करी, 2018 का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस किसानों से जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, युवाओं से जो वादे किए पूरे नहीं कर पाए, महिलाओं से जो वादे किए सुरक्षा का वो पूरा नहीं कर पाया। तो ये तमाम बातें राजस्थान की जनता ने देखी है, भुगती है, सिर्फ इन्होंने अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ी है, चाहे महिला की आबरू लुटती रहे, ये कुर्सी से चिपके रहे, चाहे भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया, ये कुर्सी से ही उठने को तैयार नहीं हुए, कहते हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। तो आप बताइए ऐसे मुख्यमंत्री को, जहां तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई हो, जहां लाचार कमजोरी दिखती हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बयानों में कि भाई भ्रष्टाचार इसलिए ठेकेदारों में और अधिकारियों में साठ गांठ है, शर्म आनी चाहिए हमारे यहाँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और कुशासन को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरती भी आ रही है। विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास न्यूज 18 राजस्थान पर भी है, राजस्थान के लोगों का, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा इस वक्त लोग न्यूज 18 राजस्थान को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे सटीक नतीजे यहीं पर सबसे पहले और सबसे तेज। मनोराम जी, अब तक के जो रुझान सामने आए इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए आप देख सकते हो, आप कह रहे थे, मेरे से सवाल किया आपने कि आरएलपी कहीं दिख नहीं रही, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आरएलपी भी दिख रही है और ये जो दोनों पार्टियां कह रही है सुशासन देंगे, बीजेपी कह रही है हमारी सरकार आ रही है। आप बताइए 18 के अंदर जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब 11 पेपर लीक हुए और जब यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुए तो बार बार हनुमान बेनीवाल जी संसद के अंदर कह रहे थे कि ईडी भेजिए और इसकी जांच करवाइए, ईडी भेजिए, अब ईडी नहीं भेजी। अपना विश्लेषण हर कोई प्रस्तुत कर रहा है और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में अभी भी दोनों प्रवक्ता डटे हुए हैं। बीजेपी का मानना है कि बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है रुझानों में, तो कांग्रेस कह रही है थोड़ी देर रुक जाइए, ये सब कुछ उलटफेर हो जाएगा। बहरहाल इंतजार करना होगा क्योंकि ये रुझान भर है, नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, वो ऐसे चेहरे जिनकी साख दांव पर है, अशोक गहलोत, उनसे जुड़ा क्या अपडेट है, वो आगे चल रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लेकर अपडेट ये है कि वो आगे चल रहे हैं। जब से सरदारपुरा सीट पर अपडेट सामने आई है लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, वो निरंतर आगे चल रहे हैं और ये बढ़त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सरदारपुरा से चुनाव लड़े वो आगे चल रहे हैं, ये बड़े अपडेट। एक एक करके उन तमाम चेहरों से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। लवली वाधवा जयपुर से, उनसे जुड़ा अपडेट भी जान लीजिए। लवली वाधवा वो फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से, उनसे अपडेट लेते हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। लवली, क्या अपडेट है आपके पास? 107 सीटों पर बीजेपी आगे, 80 पर कांग्रेस आगे और 12 पर अदर्स बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। जयपुर से फिलहाल यहां की जो तमाम सीटें हैं उनको लेकर क्या आंकड़ा? देखिए जहां तक आंकड़े की अगर बात करें जयपुर शहर की, जो जयपुर की जो तमाम 19 सीटें हैं उनमें करीब करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में सीधे तौर पर टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। एक सीट शाहपुरा है जहां पर इंडिपेंडेंट जो आलोक बेनीवाल है उनको भी वोट अच्छे खासी संख्या में मिले हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है जिला कलेक्टर का जो कंट्रोल रूम यहां पर स्थापित किया गया मतगणना कक्ष में, वहां पर लगातार मौजूद है। देखिए सामने न्यूज 18 की स्क्रीन चल रही है, तमाम जो अफसरान है वो बैठे हुए हैं, पूरी पैनी नजर रखी हुई है जिला कलेक्टर के साथ में, तमाम कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो पुलिस के अधिकारी जो है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर जो है वो यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले जिला कलेक्टर से ही बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पहला राउंड जो है, बहुत आपको ये बता देते हैं कि जयपुर के अंदर इस बार ना केवल वोटिंग परसेंटेज बढ़ा बल्कि जयपुर की मतगणना भी सबसे पहले राजस्थान में, सबसे पहला रुझान भी जयपुर से हमने दिया और इसी कॉमर्स कॉलेज से दिया। सर क्या स्थिति है अभी? पहला राउंड पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा होने जा रहा है कई विधानसभाओं में।
जी बिल्कुल, काउंटिंग जो है नियत समय पे शुरू हो गई थी और हर विधानसभा में दो राउंड लगभग पूरे हो चुके हैं। तीसरा राउंड भी कई जगह शुरू हो रहा है, कई जगह उससे भी आगे, और टाइमली सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। जो उनको जिस नियम के तहत उनको काउंटिंग करनी है, सभी अपने काम तत्परता से कर रही हैं। सर, रुझान भी पहला हमने दिया तो उम्मीद ये लगाई जाए कि पहला परिणाम भी जयपुर से जाएगा। जी, ये तो कोई पहले या दूसरे की बात नहीं है, पर सभी लोग अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हुए और नियत समय पे नियत स्पीड से जो उनकी होनी चाहिए उसके हिसाब से अपना काम करते हुए जितना हो सके उतना एक्यूरेटली और टाइमली रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि एक्यूरेट सटीक परिणाम और सही परिणाम जो है वो यहाँ पर मिले। हमारे साथ में इस वक्त कुंवर राजदीप जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कानून व्यवस्था का क्या हालचाल है शहर के या मतगणना केंद्रों के बाहर, किस तरह के हालात हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी काउंटिंग शुरू होती है तो लोगों में रुझानों के हिसाब से इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है। तो लगातार पूरे जिले में ही, पूरे कमिश्नरेट एरिया में लगातार पुलिस अलर्ट पर है, लगातार राउंड पर है। सभी की जानकारी के लिए मैं रिपीट कर देना चाहूंगा कि अभी धारा 144 लगी हुई है, किसी को भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। लोग अपने ऑफिसेस की तरफ जा सकते हैं, पर कहीं पर भी आतिशबाजी करने या जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। तो पुलिस लगातार ये इंश्योर कर रही है कि अनावश्यक लोग एकत्र नहीं हो। रिजल्ट्स के बाद जो रुझान आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे, श्रुति का हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है रट इलेक्शन हब से। जी श्रुति, क्या अपडेट और आ रही है, किन किन सीटों को लेकर आ रही है? जी, बड़ा अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि झुंझुनू का चौथा राउंड चल रहा है और जिसमें कांग्रेस की बढ़त लगातार बरकरार है। झुंझुनू में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ब्रजेंद्र ओला, जो कि बढ़त बनाते हुए अब 11,195 सीटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं राजेंद्र भांबू, जो कि 7,616 सीटों से पीछे है, अभी बीजेपी से है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बताते चल रहे हैं कि लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस वहीं 81 पे लीड करती हुई नजर आ रही है और अन्य के खातों में 13 सीटें अभी जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी रविंद्र जी, बिल्कुल। और आशा साफ तौर पर अगर देखें, अभी 199 सीटों के रुझान मिल रहे हैं, लेकिन अब टैली में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। 108 पर बीजेपी, 78 पर कांग्रेस और 13 पर अन्य यहां पर बढ़त बनाए हुए इन रुझानों के जरिए सामने आ रहे हैं। और जो हम रुझानों के जरिए ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस किस सीट से कौन आगे चल रहा है, वो भी आगे और पीछे हो रहा है, क्योंकि अलग अलग राउंड्स की जब काउंटिंग हो रही है तो ये हो सकता है कि कभी कोई आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर अगली जब राउंड की काउंटिंग होगी तो वो पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन काफी देर से देखिए, ये टैली जो है ना, वो लगभग 20 से 25 सीटों का गैप बनाए हुए है। थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब ये गैप लगभग स्टैटिक सा होता बनता जा रहा है। राकेश गोयल जी हमारे साथ स्टूडियो से हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और कमेंट लेंगे कि एक तरफ अदर्स के खाते में, यानी कि 11 सीटों पर बढ़त अदर्स बनाए हुए हैं और 20 से 22 सीटों का गैप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। आपको लग रहा है कि क्या इस बार स्थिर सरकार राजस्थान को मिलने जा रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है स्थिर सरकार मिलेगी। भाजपा पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है, लगभग 30 सीटों का गैप है अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे उभर पाएगी, और ये बढ़ के अभी 31 सीट हो गई है। और जो एग्जिट पोल के अंदर भी जैसे बताया जा रहा था और सर्वे कहता था कि अन्य के खातों में शायद 15 से 18 सीटें जा सकती हैं, तो लगभग वही एग्जिट पोल का जो सर्वे था वही बिल्कुल मुझे लगता है। देखिए, एक दो सीटों पर पहले अदर्स दिखाई दे रहे थे, अब जैसे जैसे जब सीटों में इजाफा हुआ रुझानों में, तो 14 सीटों पर अभी अदर्स आगे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ बीजेपी के बागी और नाराज होकर जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं वो भी शामिल हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर बीजेपी के ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के नाराज हुए विधायक जो जीतेंगे, क्या लगता है कि पार्टी उनका सपोर्ट लेगी या फिर खुद ही उनको जाना पड़ेगा सपोर्ट देने के लिए, ताकि सुबह का बुला शाम को घर? देखिए, मुझे लगता है कि शायद सभी लोग वापस कनेक्ट होंगे अपनी जड़ों से वापस जाके, क्योंकि जो टिकट की वजह से थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, अब जब फैसले आ जाएंगे तो वो गैप खत्म हो जाएगा, और भाजपा तो हमेशा स्वागत भी करती है ऐसा, तो मुझे लगता है कि शायद वापस सब एकजुट होंगे और देश के और राज्य के विकास के लिए कार्य करेंगे। और मैं यही सबसे कहना चाहूंगा कि जो स्वार्थ भावना की बजाय सेवा भावना को अगर हम ज्यादा महत्व देंगे तो मुझे लगता है राज्य का भी बड़ा विकास होगा, और जो विश्वास जनता ने, राजस्थान की जनता ने सब जी लोगों के, में श्रुति के पास कुछ अपडेट है, बताइए श्रुति।
आपको बता दें कि अजमेर विधानसभा किशनगढ़ के पहले राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के विकास चौधरी को इसमें 4,922 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के भागीरथ चौधरी है जो कि पीछे हैं, 984 वोट ही से पाए हैं। लेकिन निर्दलीय सुरेश टाक यहां से उतरे थे जिनको 3,396 वोट मिले हैं। और वही दिव्या मकरणा भी आपको आगे दिखाई दे रही है। ब्रेकिंग न्यूज दे रही है, ब्रेकिंग न्यूज एक और फ्लैश हो रही है। कोटा उत्तर वीआईपी सीट, हॉट सीट, शांति धारीवाल पीछे चल रहे हैं। शांति धारीवाल वो नेता जो लगातार कोटा उत्तर से जीतते आए हैं, इनका टिकट फंसा हुआ था, आखिरी मोमेंट पर इनको टिकट मिला। वही शांति धारीवाल जो अपने एक बयान को लेकर मशहूर हुए थे, जिसमें सवाल पूछा गया था कि आला कमान ये चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा था कौन आला कमान। प्रहलाद गुंजल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी शांति धारीवाल के सामने वो आगे चल रहे हैं कोटा उत्तर सीट से। हालांकि शुरुआत है, अब देखते हैं आगे आगे जैसे अलग अलग ग्राउंड्स की काउंटिंग होगी और रुझान सामने आएंगे तो फिर क्या ये बरकरार रहता है ट्रेंड, और या फिर ये ट्रेंड पलटता है या बदलता है। ये एक बार फिर से राकेश गोयल जी से रिएक्शन लेंगे। राकेश जी, हम अगर शुरुआती रुझान में ओसिया से देखें, दिव्या मदेरणा वो पीछे हुई, अभी फिलहाल फिर आगे हो गई। अगर हम बात सचिन पायलट की करें और इधर शांति धारीवाल की भी करें, वो भी पीछे, और डोटासरा वो भी पीछे हुए। तो शुरुआती ट्रेंड बिल्कुल शुरुआती था, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज तमाम खाता जो उन्होंने खोला रुझानों का, वो पिछड़ते हुए खोला। देखिए, मुझे लगता है कि शायद प्रदेश की जनता ने राष्ट्रवाद पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और जो तुष्टिकरण के खिलाफ ये पूरा जो मतदान दिया है उसका प्रभाव है। साथ में जो नए वोटर्स जुड़े थे भारी संख्या में, वो ज्यादातर, मैंने भी काफी लोगों से, बच्चों से बात की, तो उनका सबका एक ही था कि हमें राष्ट्रवाद को देखना है, हमें देश के विकास को देखना है। तो उनका शायद विश्वास भाजपा में ज्यादा लगा और इस वजह से मुझे लगता है वो सारा जो फैक्टर है वो इनके खिलाफ जा रहा है और धीरे धीरे वो गैप जो बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े दिग्गज जो है वो पीछे हैं और हार की लगभग कगार पे भी कुछ लोग पहुंच चुके हैं। तो बाकी तो अभी फाइनल रिजल्ट के बाद पता लगेगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। ये हार जीत तो खैर चलती रहती है, और पर यह कि जो भी जीते हैं वो अपने क्षेत्र की, अपनी जनता की सेवा करें, अच्छा काम करें, ताकि अगले फिर 5 साल बाद जनता उनको फिर एक मौका दे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रिजल्ट हब से श्रुति हैं। श्रुति, आस्था जी आपको बता दें कि विद्याधर नगर में दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और उसमें दिया कुमारी आगे बहुमत से आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें विद्याधर नगर में कि 121 सीटों पर लोगों ने नोटा दबाया है, कुल यानी कि 13,017 सीटें इसमें मिली है। लेकिन सीताराम अग्रवाल जो कि कांग्रेस की तरफ से 4,714 सीटें पाए, वहीं दिया कुमारी 7,940 सीटों से बढ़त बढ़ाती हुई लीडिंग पोजिशन में है। जी, एक चीज और बड़ी निकल कर सामने आ रही है, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो आगे चल रहे हैं। सिटिंग एमएलए रहे, वो बीजेपी से पिछली बार जीत कर आए थे, लेकिन इस बार राजवी को यहां पर टिकट दिया गया तो फिर वो नाराज होकर बागी बन गए और उन्होंने निर्दलीय यहां पर चुनाव लड़ा। लेकिन फिलहाल चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या आगे चल रहे हैं, ये भी एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। लेकिन एक और बड़ी खबर ये आ रही है आदर्श नगर सीट के संबंध में, और वही ओसिया से बात करें, कांग्रेस की दिव्या मदेरणा आगे चल रही हैं, बढ़त बना रही है, 928 वोटों से कांग्रेस की दिव्या मदेरणा आगे चल रही हैं। आस्था, चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह आगे हैं इस वक्त का बड़ा अपडेट, और आसपुर से बीएपी के उमेश मीणा आगे चल रहे हैं। और ओवरऑल टैली पर अगर आप नजर डालें तो 106 बीजेपी, 78 कांग्रेस और अन्य 15, यानी लगभग वही डेटा जो बीते 15 मिनट से अभी हिला नहीं है। एक और बड़ी खबर, वसुंधरा राजे 10,161 मतों से आगे चल रही हैं, दिया कुमारी 420 वोटों से आगे चल रही है, कालीचरण सराफ 1389 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़े अपडेट बड़े चेहरों से जुड़ी हुई, तारानगर से राजेंद्र राठौर 393 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वसुंधरा राजे 10,161 मतों से आगे हैं, इसके अलावा दिया कुमारी 420 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं, और साथ ही कालीचरण सर्राफ भी 1389 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट उन बड़े चेहरों के लिए। तारानगर से बात करें तो राजेंद्र राठौर 693 वोटों से पीछे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। चुरू की सीट छोड़कर तारानगर में गए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं, बड़ी बात और बड़ी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़े मार्जिन से 10,000 से भी ज्यादा वोटों से इस वक्त अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रही हैं, 10,161 मतों के फासलों से, इस वक्त मतों के फासले से
वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया राजेंद्र राठौड़ का हाल, कालीचरण सर्राफ 1389 वोटों से आगे चल रहे हैं। लवली वधवा का एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे। लवली बताइए जयपुर की अभी स्थिति क्या चल रही है, जो जो सीटों के अभी रुझान आ रहे हैं सामने। ठीक है, लवली का रुख जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच रिजल्ट हब से हमारी सहयोगी श्रुति मौजूद हैं। श्रुति, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें हम चुरू से राजेंद्र राठौड़ वो भी पीछे चल रहे हैं, तारानगर से माफ कीजिएगा। आपको ये भी बता दें कि बीकानेर के रूडकरसर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रभु दयाल सारस्वत जो कि आगे नजर आ रहे हैं, यानी कि हम बार बार बोल रहे थे कि अन्य के खातों में कितनी सीटें जा सकती है, उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम नजर आ रही है। और वहीं कुशलगढ़ विधानसभा में पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी है रमीला खड़िया, जिनको 703 वोट से वो आगे नजर आ रही है। वहीं झालावाड़ विधानसभा की सीट की अगर बात कर लेते हैं 2023 की, तो खानपुरा विधानसभा का दूसरा राउंड पूरा हो चुका है जिसमें कांग्रेस के सुरेश गुर्जर 835 वोटों से लीड करते हुए आगे निकल रहे हैं। और वहीं नागौर के डेगाना सीट पर दो राउंड पूरे हो चुके हैं इस वक्त, कांग्रेस प्रत्याशी है विजय पाल जो कि 85 वोट से आगे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी है विजय पाल मिर्धा, बिल्कुल ठीक है। झोटवाड़ा की सीट की बात करेंगे क्योंकि जयपुर ग्रामीण के सांसद है, झोटवाड़ा के प्रत्याशी है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं। अभिषेक चौधरी एनएसयूआई के कोटे से कहा गया कि उनको टिकट मिला, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनकी बात अगर करें अभिषेक चौधरी एक बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अभिषेक चौधरी झोटवाड़ा से आगे चल रहे हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं। कहा जा रहा था कि झोटवाड़ा की सीट फंसी हुई है और इस फंसी हुई सीट को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दावा यही था, विश्वास यही था हर लिहाज से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कि यह सीट मुझे जनता के विश्वास से मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें अभिषेक चौधरी एक अच्छा खासा मार्जिन बना चुके हैं। लवली वधवा वहां काउंटिंग सेंटर से मौजूद हैं। लवली आप लाइव हैं, बताइए इस वक्त क्या अपडेट, और रामलाल शर्मा आगे चल रहे हैं चौमू से। क्या आगे आगे आप लवली को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लवली आपको आवाज मिल पा रही है क्या? आवाज मिल पा रही है लवली आपको? लवली वधवा को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि वहां रामलाल शर्मा चौमू से विधायक है बीजेपी के, मिल जो है वो करीब 13,000 वोटों से आगे। हमारे साथ में बीजेपी के मुखर प्रवक्ता रामलाल शर्मा जो कि प्रत्याशी शिखा के सामने, आप बताइए शिखा जी आगे चल रही है, धड़कनें तेज हो गई होंगी आपकी? कोई धड़कन तेज नहीं, हमारा जो आकलन था उस आकलन के अनुसार चल रहे हैं और 13,000 की लीड नहीं है, अभी 4,600 की लीड है और वो पश्चिमी बेल्ट है, पश्चिमी बेल्ट में उन कांग्रेस की बढ़त होना स्वाभाविक है, बाकी अब जो बेल्ट आएगा उसके अंदर हम बढ़त बनाएंगे। अब रामलाल जी के चेहरे पर और मुस्कुराहट देखने को मिलेगी, 100% चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस अपना पीछे की तरफ देखिए, लगातार मजमा लगा हुआ है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो सुचारू रूप से जो तमाम जो इंतजाम है उन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। विष्णु आए हमारे पास में कोई लेटेस्ट अपडेट लेकर के, विष्णु क्या अपडेट है फुलेरा का, क्या अपडेट है चौमू का? चौमू वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट कम थी, हमने बात की, वो कह रहे हैं आएगी मुस्कुराहट। देखिए मैं पहले बताऊंगा कि पहले राउंड में जो बीजेपी के रामलाल शर्मा उनको मिले हैं 3,783 वोट, तो वहीं पर शिखा मिल को मिले 5,254 वोट। चार राउंड की जो मतगणना पूरी हो चुकी है और चार राउंड तक चौमू विधानसभा क्षेत्र में रामलाल शर्मा को 14,105 वोट चौथे राउंड में मिले हैं और वहीं पर शिखा मिल को मिले 18,783 वोट। तो अभी तक यदि मानते हैं तो जो जो लीड है वो शिखा मिल ने बनाई हुई है, रामलाल शर्मा पीछे चल रहे चौथे राउंड तक। और यदि मैं बात करूंगा फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे विद्याधर चौधरी इस वक्त कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो आगे चढ़ रहे हैं। और चाकसू विधानसभा क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूँ तो राम अवतार बैरवा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जो वेद प्रकाश सोलंकी है उनको उनसे आगे चढ़ रहे हैं। चौथे राउंड तीसरे राउंड की जो जो गिनती अभी तक हुई है तो राम अवतार बैरवा को 4,680 वोट अभी तीसरे राउंड में मिले और वहीं पर वेद प्रकाश सोलंकी को 2,332 वोट यहां पर अभी तक मिले। तो फिलहाल अभी चाकसू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा आगे, लेकिन चौमू और फुलेरा की मैं बात करता हूं तो उस वक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत वोटों से हजारों वोटों से आगे चढ़ रहे हैं जी। तो देखिए ये ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 का वो सच है जो जो हर दर्शक जानना चाहता है। वोटों की गिनती के साथ में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है, आगे बता देता हूं आगे की तरफ का एक बार नजारा दिखाएंगे। किशनपोल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से अमीन कागजी जो है वो करीब करीब 3,900 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। उनके सामने चंद्र मनोहर बटवाड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के वो पीछे चल रहे हैं। पहले एक दौर ऐसा अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान
पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और जीत सबकी किसकी पहले हुई। इस सारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, सबके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जो है मैं अपने मेहमानों के साथ करवा देता हूं। आरजे मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राखी राठौड़, इनसे आप भलीभांति परिचित होंगे, लगातार जो है वो हमारी डिबेट्स में नजर आती हैं बीजेपी की तरफ से। प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और अमित भट्ट जी हमारे साथ जो है वो एडिटर न्यूज 18 राजस्थान हमारे साथ लगातार बने हुए। सबसे पहले चतुर्वेदी जी मेरा सवाल आपसे है कि इन उम्मीदों की या इन नतीजों की जो है वो उम्मीद आपने की थी, आपके सामने है रिजल्ट? नहीं, यह परिणाम हमारी आकांक्षाओं के विपरीत हैं, लेकिन मुझे मानना होगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम स्वागत भी करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महीने पहले एक बात कही थी कि प्रदेश में मंत्रियों के खिलाफ इनकमसी का फैक्ट है, तो मुझे लगता है वो सत्य बात साबित हुई है और मंत्री लगभग हमारे जितने मंत्री हैं जो चुनाव में गए और जनता ने उनको नकार दिया, तो मैं समझता हूँ ये उनका आकलन ठीक था और जनता ने उन्हें नकारा है, तो हम जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं। आप जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन सर कई बार जो है वो जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम ने, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं पब्लिक वेलफेयर की जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंची हैं और इस बार जो नतीजे बार बार वो जो है वो 156 की भी बात कर रहे थे, तो कहीं दूर दूर तक ये आंकड़ा इस समय नजर नहीं आ रहा है? देखिए बात वो नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जितने कार्यक्रम प्रदेश में लागू किए वो अभूतपूर्व थे और लोकप्रिय भी थे और जनता ने उनको सराहा भी। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने 4% वोट ज्यादा जो है मैंडेट जो हुआ महिलाओं का, वो मैं मानता हूं कि उनकी जो योजनाएं थी जिसमें किसानों की योजनाएं थी, 2000 बिजली हमने फ्री दी, उसके बाद चिरंजीवी योजना लागू की, गोबर खरीद का हमने 2 रुपये किलो का प्रावधान रखा, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर जो हमने सब्सिडी 500 रुपये देने की बात कही थी वो महिलाओं के लिए ही था, क्योंकि एक गैस सिलेंडर एक महिला 4 वोट को प्रभावित करती है और हमारी आकांक्षा ये थी कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी, तो मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने वोट दिया है। लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे कैंपेन में जूझते रहे और उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर प्रदेशवासियों से विश्वास भी जीता, लेकिन मेरा मानना है कि लीडर अकेले बिना टीम के काम नहीं कर सकता, तो उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने किसी कार्यक्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी, जनता में उनका विश्वास पैदा हुआ, लोग जनता ने उनको माना, लेकिन मुझे लगता है टीम का जो काम था वो नहीं हो पाया और उससे शायद हम लोग इस सिस्टम में पिछड़ गए। इसका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं, फिर अमित सर मैं आपके पास भी आऊंगा। राखी जी आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आए थे, राजस्थान के दौरे पे थे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत साहब ने अपनी हार मान ली है, उन्होंने कहा है कि जो योजनाएं हमने चलाई है बीजेपी आते ही बंद कर देती है, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने कहा था वो फलीभूत हुआ आज? बिल्कुल फलीभूत हुआ और मैं तो यही कहना चाहूंगी देश में अगर किसी की गारंटी को जनता ने माना है, अगर लोगों ने माना है कि किसकी गारंटी सक्सेसफुल होगी या जिस पर विश्वास है, तो वो मोदी की गारंटी है। ना केवल राजस्थान में जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और ये जनता का विश्वास है जिसने आदरणीय मोदी जी के विजन को, जिसमें राष्ट्र प्रथम को रखते हुए हमेशा काम किया है, उस विजन को यहाँ पर जनता का भरोसा हमें मिला है और मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी हर एक कार्यकर्ता को, यहाँ की जो पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो कैडर है, उनको इस जीत का श्रेय जाता है, हम सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर आकर के काम किया और उनका ही ये विश्वास था, उनका ही एक भरोसा था जिसकी वजह से हम लोग आज जीत सुनिश्चित कर पाए। नतीजों की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल थी। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगी जो न्यूज 18 का सर्वे था, जो राजस्थान का सर्वे था, मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपका एग्जिट पोल जो था वो लगभग बिल्कुल नजदीक आ रहा है। आपने 111 सीट्स कही थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे, लेकिन आपका एग्जिट पोल, आपकी ग्राउंड रियलिटी बहुत एग्जैक्ट पोल के नजदीक पहुंच रही है। मैं बधाई देना चाहूंगी आपकी भी टीम को, लेकिन जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे थे, देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक सामूहिक नेतृत्व का, जिस तरह से अशोक गहलोत जी का किसी ने साथ नहीं दिया ऐसा प्रदीप जी कह रहे हैं। देखिए अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग हमने 5 सालों में किया, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में अगर ऐसे शब्दों का आदान प्रदान होगा तो कोई भी साथ देगा नहीं, विश्वास का एक भारी कमी जो है वो पार्टी में अपनी ही लोगों में नजर आएगी। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां सामूहिक काम था वहां पे जीत हुई, जीत ऐसी जिसका हमें पूरा विश्वास था और जो एग्जिट पोल थे उसमें कई तरह के व्यूज आ रहे थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे चल के हम उससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे।
हमारे साथ एक और नौजवान युवा भी मौजूद है 94.3 माई एफएम के आरजे मोहित। मोहित, आप संवाद की दुनिया में जो है वो आपका बड़ा नाम है, आपको लगता है कि ये इस तरीके के नतीजे थे, आपने इनको लेकर भी कभी अपने एफएम पर ये चर्चा की थी? देखिए, हमारी पहचान होती है कि हम बिना कोई नाम लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, तो मैं नाम यहां पर किसी का नहीं लूंगा। सिर्फ एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब किसी प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं कि आप ये भी फ्री में ले लो, वो भी फ्री में ले लो, कैश बैक भी ले लो, तो कहीं ना कहीं डाउट आता है कि प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो आज आंकड़े देखकर यही देखने को मिल रहा है कि जो इतने सारे ऑफर्स थे तो लोगों को वो नहीं लुभाए और लोगों को लगा कि इतने सारे ऑफर्स देने का क्या कारण है, तो विश्वास उस प्रोडक्ट पर थोड़ा कम हो जाता है। तो योजनाएं इतनी नहीं लुभाई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो योजनाओं के अंदर हिडन कंडीशंस थी वो वोटर्स ने पढ़ ली? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बोर्ड पर इतने सारी योजनाएं हमें देखने को मिली वो शायद लोगों ने देखी तो, पर उनके दिल में नहीं उतर पाई। मैं अमित जी के पास अब जाना चाहूंगा। अमित जी, नतीजे आपके सामने हैं, लेकिन इन नतीजों के अंदर बहुत दिलचस्प तथ्य ये भी सामने आए कि जो बड़े बड़े नाम थे, जो पार्टी के खेवनहार कहे जा सकते हैं, उनकी साख दांव पर लग गई और कई बड़े नाम हार गए। आसिफ, जब से ये चुनाव की गहमा गहमी शुरू हुई है, जब से इसकी हलचल शुरू हुई थी आज से 4-5 महीने पहले, तो हम लोग अपने न्यूज रूम में बात करते थे कि हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस हैं, हमने पुराने जो चुनाव देखे हैं, ये चुनाव कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग था। सबको ये लग रहा था कि क्या कोई दोनों ही पार्टियां जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, या बल्कि अपने जो बड़े नेता हैं उनको निपटाने में लगी हुई हैं, क्या इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और अभी जो कई चौंकाने वाले नाम हैं जो हार गए हैं, कई चौंकाने वाले नाम हैं जो जीत गए, जिनकी हार एकदम तय मानी जा रही थी, वो लोग जीते हैं। अभी जो फाइनल टैली आ रही है, एक मोटा मोटी जो आ रहा है, 115 के आसपास बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस 68 के आसपास। इसमें ये जो 16 अन्य जो आ रहे हैं, अदर्स जो आ रहे हैं, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत ही अलग तरह का प्रदर्शन किया है, निर्दलीय जो आ रहे हैं वो जो पार्टियों के बागी हैं, तो ये बड़ा ही अलग तरह का था। इसलिए ये नतीजे वाकई में उन बड़े नेताओं के लिए चौंकाने वाले नाम हैं, उनके लिए बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं, लेकिन कमोबेश अगर जो चुनाव को जीते हैं, जो इलेक्शन की पल पल की चीजों में अपडेट रहते हैं, उनके लिए ये नतीजे इतने चौंकाने वाले नहीं लगेंगे जैसे कि अभी राखी जी ने बोला। अमित जी, एक और सवाल है मेरा, आपको इस समय इन आंकड़ों को देखकर कैसा लग रहा है, जब आपके नेतृत्व में आपकी टीम ने यह सर्वे किया और यही आंकड़े जो हमने जो है अपने दर्शकों को बताए थे, कमोबेश वही आंकड़े जो है इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं? आसिफ, ये हमने कोई सर्वे टाइप जैसा कुछ नहीं किया था या एग्जिट पोल टाइप नहीं किया था। हमने जब इलेक्शन के दूसरे दिन जब लोगों ने एडिटर्स पोल किया था, तो हमारे साथ में राजस्थान के सबसे बड़े जो पब्लिकेशंस हैं, जिनको लोग देखते हैं, बड़े मीडिया हाउसेज हैं, हमने सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उनकी टीम से भी हमने बात की थी। उनका नेटवर्क बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर है। और ऑफकोर्स हमारी जो न्यूज 18 राजस्थान की टीम है, 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8-8 चुनाव कवर किए हैं, बहुत ही माइन्यूटली उनकी नजर रहती है और राजनीति पर उनकी बहुत पकड़ रहती है। तो एक हमने एक एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से हमने ये एक मोटा मोटी एक चीज बताई थी कि इतना हो सकता है। और हमें खुशी है इस बात की कि हम एक बार फिर अपने दर्शकों के भरोसे पर कामयाब एक बार खड़े उतरे हैं, और जो हमारा दर्शक है वो आज भी हम पर इसीलिए भरोसा करता है क्योंकि जो अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, जो हमारी टेक्निक्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो औरों से काफ़ी आगे हैं। जब लोग चौथे या पांचवें राउंड की बात कर रहे हैं, हमारे पास 10वें राउंड की अपडेट होती है, और इसी के दम पर हम सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे अपने दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि हम डिजिटल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इस समय जो है वो देखे जा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। कहीं योजनाएं डिलीवर करने में या फिर जो है वो आम लोगों को समझने के अंदर, वोटर का मूड भांपने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा था बार बार राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि जो चिरंजीवी की योजना है
वो पूरे देश के अंदर केवल राजस्थान के अंदर है। इतनी बड़ी मेडिकल गारंटी दी गई है जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी गारंटी थी। इसके अलावा आपने जो है पशु बीमा योजना दी लंपी के अंदर, या फिर आप जो है दुर्घटना बीमा आपने दिया, या इसके अलावा तमाम योजनाएं आपने दी थी। ये संवादहीनता की स्थिति बनी, आप अपनी योजनाओं को जनता के बीच में पूरी तरीके से ले जा नहीं पाए, कम्युनिकेशन की कमी रही, कमी कहां रह गई? आसिफ जी, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में ये पूरी लड़ाई हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लड़ी।